गुड इवनिंग समस्त को वेरी गुड इवनिंग आ प्रणाम मध्य प्रणाम समस्त को प्रणाम 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 प्रणाम। तो देखो आम कि समय पूर्व आम गोटे पुल करूँ तीन घंटा पूर्वर जे सतटा मॉक टेस्ट केते जन रेडी अच ता भितर 614 जन पिला 614 जन पिला येस बोली लिखिं तो आज आम देखा तो केते जन पिला जॉइन होती बुझिपार देखिपुर थो समस्ते 614 जन पिला आमर येस बोली मारी भितर नाइ 9% देखिपुर थो 9% पिला नो बोली मारी हुए तो से सी एस टी क्लीअर हो जाए नचे अन्न्य किसी कारणपाई हूँ तो से आटेड कर नपारती ठीक अच्छे बहुत बढ़िया। तो आम डेरी करवानी स्टार्ट करवा तो देखा केते जन पिला आज क्लास जॉइन होती ठीक अच्छे बहुत बढ़िया। जो मैंने चैनल नुआ अच निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब कर जदि नुआ था चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर सांग निश्चित भाव सेयार कर सहित मुझे रखुची है जो मैंने आमर पेडबैच जॉइन होने चाहूँ जो मैंने आम पेडबैच जॉइन होने चाहूँ आम 29 तारीख पाखु क्लास स्टार्ट करुचु तो पेमेंट पर आम दुई दिन समय नहीं चु बुझिपार आज और कल लास्ट डेट पेमेंट अच्छी पेमेंट केते टंका कौन कौ पेपर तो डिटेल्स जानवापी आपण मैंने 8917270933 यही नंबर में मत ह्वाट्सअप करूँ गोटे सेकेंड सॉरी तो यही नंबर में मत ह्वाट्सअप करूँ 8917270933 यही नंबर ह्वाट्सअप करेंगे निजर नेम लिखे एवं आम आपण मानक लाइव प्लस रेकर्डेड क्लास प्रोवाइड करूँ जोटा कि आपण मैंने जो लाइव क्लास भी करेकर्डेड क्लास निश्चित भाव में देखिपारे ठीक अच्छे निहाती भाव में गोटे बहुत जबरदस्त मॉक टेस्ट रुरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट जोटा कि आगामी सीएचटी आगामी जेटी पाई निश्चित भाव हाँ खाली सीएचटी एंड ओएसएसटीडी है सीएचटी एंड ओएसएसटीडी गोटे पेमेंट आम एक्सट्रा पेमेंट कौन से नबू ना सीएचटी एंड ओएसएसटीडी आम गोटे पेमेंट नबू केवल गोटे पेमेंट ठीक अच्छे बहुत बढ़िया ठीक अच्छे डेरी करवानी स्टार्ट करवा जो मैंने जॉइन होने चाहो निश्चित भाव में यंबर ह्वाट्सअप कर निजर नेम लिख आ कि लिखा दरकार ना ओनली नेम टे लिख ठीक अच्छे बहुत बढ़िया चलो डेरी करवानी आम स्टार्ट करदे आज जहाँ भी रही क्वेश्चन को आम स्टार्ट करवा ठीक अच्छे चलो प्रथम क्वेश्चन तुम मान सामने प्रथम क्वेश्चन क्वेश्चन पचार भल से देख क्वेश्चन पचार रु ये आम ई करदे ठीक अच्छे चलो प्रथम क्वेश्चन तुम मान सामने प्रथम क्वेश्चन क्लास रे जॉइन हो क्लास रे जॉइन हो तेणु प्रथम क्वेश्चन कौन कही देख प्रथम क्वेश्चन तुम मानी कौन दे देख प्रथम क्वेश्चन ओडिशा जिके रु आम स्टार्ट करवा ठीक अच्छे बहुत बढ़िया हाँ फोन पे नंबर जहाँ भी देखो से किसी जाए से ना जहाँ भी असुविधा रही मत निश्चित भाव में कल कर से नंबर कल कर पेमेंट नंबर कहीं भी कल कर ठीक अच्छे कह द हिली किंगडम बिटवीन कलिंग एंड साउथ कुशल व्वाज नोन एज डैश ना ना सी आम सैंस पाई आम कवरेज करूँ केवल पेपर वन तो ग्रुप्रे जॉन हुआ डिटेल्स सबकि जापर बुझेगा तो कह करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर द हिली किंगडम बिटवीन कलिंग एंड साउथ कुशल व्वाज नोन एज डैश ताकू कौन कह जाए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया तो कह करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर कौन हमारे करेक्ट आंसर वेरी गुड ताकू कहती ओरडा लैंड कौन कहते ओरडा लैंड जो मैंने ऑप्शन नंबर सी दे करेक्ट आंसर अच्छी जो मैंने ऑप्शन नंबर सी दे करेक्ट आंसर अच्छी
केवल करेक्ट आंसर हूँ ओरडा लैंड हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सहित जीव जो मैंने ऑप्शन नंबर सी देच से करेक्ट आंसर अच्छे ठीक अच्छे आग को बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दुई नंबर क्वेश्चन तुम मन सामने द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ मंडलस ऑफ गंगा डायनेस्टी रेफर्स टू डैश द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ मंडलस ऑफ गंगा डायनेस्टी रेफर्स टू डैश करेक्ट आंसर कौन हम कही रखुचे आज आर्ट्स पिला क्लास र जोटा कि पूरा बैक टू बैक क्लास रही है आर्ट्स पिला साइंस पिला आज टी आम बैक करदेबू तो आर्ट्स पिला क्लास सर सागे सांगे काना सर फेर नहीं आसो मैंने ये बुझे तो करेक्ट आंसर कौन हम तेना जल्दी जल्दी करवा तो करेक्ट आंसर कौन हम वेरी गुड बहुत बढ़िया ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जोटा होपर प्रोविनेंस ओके ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पचार इंपोर्टेंट कास्ट डेवलप ड्यूरी द गंगा डायनेस्टी वाज डैश जिते गंगा डायनेस्टी थिला सेतेबेले कौ कास्ट सिस्टम तुम आरंभ होता कौ कास्ट सिस्टम को बेसी इंपोर्टेंस दिया जाइतला कौ कास्ट सिस्टम को बेसी इंपोर्टेंस दिया जाइतला चैनल को सब्सक्राइब करिवो लाइक करिवो शेयर करिवो निश्चित भाव निजर चैनल निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब करिवो लाइक करिवो शेयर करिवो जो मैंने आम पेड पेज रे जॉइन होबा पई चाहौचो आम व्हाट्सएप नंबर रे जॉइन हो पारिवो ठीक अच्छे डिस्क्रिप्शन लिंक करछि व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो पारिवो तीन नंबर क्वेश्चन मन रखिब करेक्ट आंसर हूँ करणास कौन हम करणास ठीक अच्छे करणास यहाँ आपणकर आरंभ होता करणास है जोटा हूँ गोटे प्रकार ट्रेडिशनल भरना सिस्टम ट्रेडिशनल भरना सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पचार ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड ह्विच अमंग द फॉलोइंग वाज और वेयर द मेन एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज गुप्त पीरियड समय गुप्त पीरियड समय पचार गुप्त पीरियड समय भलसे देख गुप्त पीरियड समय कर 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 कह करेक्ट आंसर कौन हम जो गुप्त पीरियड थिला चारि नंबर क्वेश्चन हला सॉरी गुप्त नुहे भूल कहीदेली गंग गंग अवधि समय रे से पचारिचे कौटा मुख्य रप्तानी थिला कौटा हम करेक्ट आंसर वेरी गुड क्लथेस भी थिला डायमंड भी थिला एलिफेंट भी थिला तेणु करेक्ट आंसर हूँ ऑल ऑफ द एबव जो मैंने देच से करेक्ट आंसर अच्छे ठीक अच्छे ऑल ऑफ द एबव सहित जीव ऑल ऑफ द एबव हम करेक्ट आंसर आग को बढ़िया निश्चित भाव में चैनल नुआ थे निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब कर ठीक अच्छे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हु एमंग द ओडिशा लीडर टुक पार्ट इन ग्रेट रिवोल्ट 1857 1857 रे जो आपणकर रिवोल्ट होता एम भितर किए अंशग्रहण करते कौ लैंडर आपणकर अंशग्रहण करते कमेंट सेक्शन कमेंट कर करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर वेरी गुड बहुत बढ़िया तो करेक्ट आंसर जब आम देखा करेक्ट आंसर कौन हम 1857 बेले जो आपणकर विद्रोह होता तो वेरी गुड जो मैंने ऑप्शन नंबर डी देच से करेक्ट आंसर अच्छे पांच नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर एम समस्त ठीक अच्छे आग को बढ़िया बहुत बढ़िया 600 पिला पुल रे येस बोली लिखी थे कि जॉन होती 200 पिला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच प्लेस इज नोन एज भातहांडी ऑफ ओडिशा स्टेट ओडिशा रो भातहांडी कहाँ को कहा जाए ओडिशा रो भातहांडी कहाँ को कहा जाए ओडिशा रो भातहांडी कहाँ को कहा जाए कौ प्लेस को ओडिशा रो भातहांडी बोली कहा जाए कौ प्लेस को ओडिशा रो भातहांडी बोली कहा जाए भातहांडी ऑफ ओडिशा बरगढ़ गंजाम बलांगीर आउट अच्छे बालेश्वर कौटा हम करेक्ट आंसर छः नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम वेरी गुड बहुत बढ़िया बरगढ़ हम करेक्ट आंसर बरगढ़ नुहे कि बरगढ़ को कहा जाए भातहांडी कहीं ना ये तुम भातहांडी बरगढ़ हम करेक्ट आंसर बरगढ़ हम करेक्ट आंसर कारण ये राइस प्रोडक्शन हूँ तुम अधिक हुए बुझेगा गंजाम हम बालेश्वर हम ना 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 बालेश्वर को भातहांडी बोली किए कहला बरगढ़ हम करेक्ट आंसर बरगढ़ बरगढ़ को कहा जाए कारण ये राइस प्रोडक्शन हूँ तुम अधिक हुए ठीक अच्छे सहज क्वेश्चन टार उत्तर बहुत पिला जानना नेक्स्ट क्वेश्चन
A plain form due to the past experience of lag and sediment deposit is called as. एटा कोन कोंदी 7 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कोन हबो A plain form due to the past experience of lag and sediment deposit is called as. जल्दी जल्दी आंसर करो वो करेक्ट आंसर कौन हो करेक्ट आंसर बरगड़ रे अच्छा ठीक अच्छे बहुत बढ़िया निश्चित भाव रे करेक्ट आंसर कौन हो सी हो करेक्ट आंसर ताको कौन दी लुकोस्ट्राइन प्लेन बोले ताको कही था ऑप्शन नंबर सी जो मन देइछ समान करो करेक्ट आंसर अछि ऑप्शन नंबर सी सही तो जीवो ठीक अछि ताको कौन दी लुकोस्ट्राइन प्लेन बोले ताको हमें कही था बुझला ठीक अछि बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट द काइंड ऑफ सॉइल एरिसन इज एविडेंट ऑफ उड़ीसा द काइंड ऑफ सॉइल एरिसन इज एविडेंट इन उड़ीसा इज एविडेंट इन उड़ीसा करेक्ट आंसर कौन हम चैनल ने नुआ थे निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब करिबो ताको हमें कौन कह 22 नंबर प्रैक्टिस सेट रही निश्चित भाव में कह करेक्ट आंसर कौन हम वेरी गुड ताको हमें कोस्टल एंड सी टेरिसन बोली हमें कही था कौन कही था कोस्टल एंड सी टेरिसन बोली ताको हमें कही था कोस्टल एंड सी टेरिसन हला नन ऑफ द अबव नुए ऑप्शन नंबर सी जो मैंने देख से करेक्ट आंसर अच्छे ऑप्शन नंबर सी सहित जीव ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पचार व्हाट इज द टाइम लाइन ऑफ रेनी सीजन इन उड़ीसा कल समर सीजन पचार जाइए आज रेनी सीजन पचार रेनी सीजन वर्तमान जोड़ा चली कि वर्षा हो बुझिपार खाली वर्षार ना रही कि वर्षा हबार चान्सेस ही ना तो कह करेक्ट आंसर कौन हम वेरी गुड बहुत बढ़िया तो कह करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर व्हाट इज द टाइम लाइन ऑफ रेनी सीजन इन उड़ीसा करेक्ट आंसर होची जुलाई टू अक्टोबर हम करेक्ट आंसर जुलाई टू अक्टोबर जो मैंने देख समर करेक्ट आंसर अच्छे है जुलाई टू मिड अक्टोबर बुझेगा जुलाई रु मिड अक्टोबर पर्यंत जुलाई टू मिड अक्टोबर ठीक अच्छे आग को बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पचार व्हिच मंथ इज नोन फॉर द सीजन ऑफ रिटेटिंग मनसून फ्रॉम उड़ीसा बढ़िया क्वेश्चन जल्दी जल्दी आंसर करो दस नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन एटा दिस इज द लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन को भल से देख क्यों मास उड़ीसा रु मौसुमी प्रत्यावर्तन करी थाए कौन बड़ा करेक्ट आंसर प्रत्यावर्तन एवं तो कितु किसी ना आउ से सब ये ना तो करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर वेरी गुड मन रख करेक्ट आंसर अक्टोबर सहित हम बोधे अक्टोबर बुझेगा अक्टोबर मस ये ऑफिशियली अक्टोबर मस हम ठीक अच्छे बहुत बढ़िया दसटू कार कतटा ठीक है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो जल्दी कंप्यूटर सेक्शन को जीवा पूर्व कमेंट सेक्शन में कमेंट करो दसटू कार कतटा ठीक है 600 पिला पुल रे येस बोली लिखिले किंतु जॉइन होती 226 हाउ ठीक अच्छे किसी कथा ना पिलांर किसी कम थी एटा भी आम भी टी भाव दरकार आम जो भाया पाठ पढ़ा कम कर पिला भी अन्न्य काम भी किसी करुवे ओके ठीक अच्छे बहुत बढ़िया तो कहार कतरा ठीक है 6टा बेहरा शुभलक्ष्मी बब्बाली आमर भव्यजिता तुलसी ता सहित बैजंती बहुत बढ़िया पिंकी पलई वेरी गुड बहुत बढ़िया तुम्हारे लुसना डेली ब्लॉग्स वेरी गुड बहुत बढ़िया निश्चित भाव रे चित्तरंजन 6टा संगीता डोरा हेलो निश्चित जिनिया ठीक अच्छे चलो कंप्यूटर सेक्शन को चलो कंप्यूटर सेक्शन प्रथम क्वेश्चन तुम मान सामने प्रथम क्वेश्चन यूजिंग द टेबुल जो शॉर्ट ऑप्शन यू कैन शॉर्ट डैश एटा वार्ड रु पचार तो कह करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर कौन हम जल्दी करो क्वेश्चन कौन कही यूजिंग टेबुल शॉर्ट ऑप्शन यू कैन शॉर्ट द डैश
तुम कौन सर्ट कर पार डाटा फर्मूला फंक्शन ना आपंकर इमेज करेक्ट आंसर कौन हम 26 नंबर क्वेश्चन मन रख आम जो डाटा गुड़ाक दि जाइए से डाटा गुड़ाक आम कौन कर सर्ट कर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कौन पचार देख प्रायत क्वेश्चन देखा जाए ऊपर को टेकदेवी ह्विच वन अफ द फलोइंग कनसीस्ट अफ द मेकानिकल पार्ट दैट मेक अप द कंप्यूटर एज मेसीन भल से पढ़ क्वेश्चन को कौन कही क्वेश्चन को बुझ आग क्वेश्चन कौन कही क्वेश्चन कही ह्विच वन अफ द फलोइंग कनसीस्ट अफ द मेकानिकल पार्ट दैट मेक अप कंप्यूटर एज द मेसीन कौ जिनसटा या भितर रही आम कंप्यूटर को गोटे मेसीन बोली कह बुझिपार ऑप्शन अच्छे फ्री वेयर हार्डवेयर सेयार वेयर आउ गोटे अच्छे तुम सिस्टम पढ़ल समस्त क्वेश्चन को क्वेश्चन समस्त पढ़ल तो 27 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम कर कौन हम कौ जिनसटा कंप्यूटर रही आम गोटे मेसीन बोली कह कंप्यूटर क्यों जिनसटी रही आम मेसीन बोली कह हाँ आमर संतोष कुमार बेहरा किसी ना संतोष मु देखुची तुम्हें कौन से जाच बुझे कि ना तेणु करेक्ट आंसर हो तुम हार्डवेयर हम करेक्ट आंसर जो कंप्यूटर जब हार्डवेयर रोच हार्डवेयर न रही आम मेसीन भी कहवा ना ठीक अच्छे बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पचार भलेसे देख ह्विच अफ द फलोइंग फर्माट कैन नॉट बी एडिटेड डायरेक्टली कौ फर्माट कौ फाइलटा तुमको दिजिव कंप्यूटर में तुम्हें ताको एडिट करना कौ फाइलटा कंप्यूटर में तुमको दिजिव तुमको किसी फाइल दिजिव बुझिपार कौ कौ फाइल दिगला तुमको वार्ड डॉक्यूमेंट दिगला पीपीटी दिगला पीडीएफ दिगला टेक्स्ट फाइल दिगला तुम्हें कौटा को एडिट करें कंप्यूटर में कौटा को तुम्हें एडिट करें कंप्यूटर या भितर कौटा को तुम्हें एडिट करें 28 नंबर कौटा को तुम्हें एडिट करें मन रख जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट अच्छे से पीडीएफ डॉक्यूमेंटा को तुम डायरेक्टली एडिट करना किंतु जदि पीडीएफ डॉक्यूमेंटा को तुम जदि वार्ड रे कन्वर्ट करदे कौन में कन्वर्ट करदे वार्ड रे कन्वर्ट करदे बुझेगा वार्ड रे जदि कन्वर्ट करुच ताहले तुम्हें ताको कौन करिपरुच ताहले तुम्हें ताको एडिट करिपार बुझिपार नहले डायरेक्ट तुमको जदि पीडीएफ दि जाऊँगी तुम्हें ताको एडिट करना बुझिपार समस्ते क्लीयर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पचार पोस्ट कहले आम कौन बुझा ह्वाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्ट पोस्ट रो फुल फॉर्म कौन पचार ह्वाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्ट बा पोस्ट रो जो पोस्ट जो आब्रिवेशन दे तार फुल फॉर्म टी आपंकर कौन हम एक कथा आमको से पचार कौन हम करेक्ट आंसर प्रतिभा राणी मैडम एथरटा लास्ट चान्स बुझी आप रेगुला तो क्लास कले आम सहित छाड़ी पलैगले किंतु एटा लास्ट चांस भगवान करंतु आमर जे लवर रही जे हेटर भी रही समस्ते क्वालिफाई करंतु हला आमे परिश्रम करूछो निश्चित भाव रे तो कौन हम करेक्ट आंसर पोस्ट रो फुल फॉर्म कौन हम पोस्ट रो फुल फॉर्म 29 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हम जोटा हूँ तुम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बुझेगा क्लीयर समस्ते कौन कहली जे पोस्ट बुझिपार कौन कहली पावर ऑन जो सेल्फ टेस्ट एटा कौन जानी ना यो जिनसा कौन जानी ना जिते बड़े तुम कंप्यूटर जो मैंने कंप्यूटर करवा जानी थो जो तुम विंडोज को खुल देख मेंचे खंडे गोटे मेसीन लांगुएज आस जाए मेसीन लांगुएज मुझे टी मेंचे खंडे तुम मेसीन लांगुएज आसे एवं तापर से तुमको देखो सही गोटे तुम जब ओपन करने चाहो तुम एंटर की को दाब दाबिले विंडोजा तुम खोल विंडोज तापर घूर से ही जो पोस्ट से जो लेखा गुड़ाक जो जो तुम पावर अन कर सेल्फ टेस्ट करुच बुझिपार तुम अच्छ कि ना ना यहाँ अटोमेटिकाली खुली जाऊँच बुझिपार तो सहीटा को आम कौन कौचे सहीटा को आम पोस्ट बोली कौचे बुझिपाल अब ह्वाट इज द पोस्ट पोस्टर अर्थ कौन क्लीयर समस्ते जितेबाला तुम खुलुच तो से कि मेसीन लांगुएज आसे मैंने इंग्लीश मेचाई खंडे लेखा थी बुझिपार सहीटा को आम कही था साधारण भाव में कौन कही था आम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बोली आम कही था निश्चित भाव सब गुटा जाच कि प्राक्टिकाल जिनस रवश्यकता रही बुझिपार चलो नेक्स्ट कही फोटो शेयरिंग कर क्या पाखक मनकर टुंगुर पाखक मनकर वर्षा मनकर फोटो शेयर कर बुझिपार
शेयरिंग आप ओन्ड बाय फेसबुक माने फेसबुक रो एटा होची गुटे पार्ट तो सेटा कोटा तो को करेक्ट आंसर कोन हबो ठीक अछि। 31 रे प्रियदर्शनी हेइ जइबो थ्योरी क्लास करिवो हेइ जइबो हला निश्चित भाव रे को करेक्ट आंसर कोन हबो जल्दी करो कोइची पॉपुलर फोटो शेयरिंग आप माने सांगे सांगे फोटो पठाइ दबो से सांगे सांगे लोक लाइक करि पकेबे बुझि पारु जो तो को करेक्ट आंसर कोन हबो या भीतर कोटा तमरो रहउची कौटा 30 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम मन रख करेक्ट आंसर हूँ इंस्टाग्राम आज दुनिया रे पूरा पाया पगला बुझिपार कि ना सांगे सांगे रिल्स गोटे कर दियो सांगे सांगे तुम भाइराल बुझिपार निहाती भाव में गोटे तुम जाथ गोटे आम एरिया यपटर गोटे अच्छा स्वामी स्त्री नाम कही रखुच रूपा पिंटू जाथ समस्ते ये आम घर ठारू 4-5 किलोमीटर दूर हम तर है ठीक अच्छे तो जहाँ भी से करेंगे टी छाड़देले मिलियन मिलियन व्यू पड़ोस बुझेगा ठीक अच्छे बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट द प्राइमरी मेमोरी फ्रॉम द फॉलोइंग या भितर प्राइमरी मेमोरी कौटा या भितर प्राइमरी मेमोरी कौटा तो कह करेक्ट आंसर कौन हम या भितर प्राइमरी मेमोरी कौटा तो जल्दी करो तो कह करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर या भितर प्राइमरी मेमोरी कौटा या भितर प्राइमरी मेमोरी कौटा 32 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम ऑलरेडी तुमको से डार्केट करके दे देजी आंसरटा तुमको परिश्रम करते पड़ोन तेणु ठाकुर को डाकुचे जी क्वेश्चन गुडा भी जो कंप्यूटर में आसूची ये डार्क डार्क होसु आंसर गुड़ाक है तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कही क्वेश्चन पचार स्पाम मेल कहले आम कौन बुझा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पाम मेल स्पाम मेल कहले आम साधारण भाव में कौन बुझा 33 नंबर क्वेश्चन स्पाम मेल कौन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पाम मेल स्पाम मेल कहले आम साधारण भाव में कौन बुझा स्पाम मेल जल्दी करो करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर वेरी गुड मन रख नियरली आइडेंटिकल मेसेज टू द न्यूमेरस रेसिपेंट बाय ईमेल तमाने सेटा तुम ओरिजिनल मेल नुहे बुझिपार नियरली आइडेंटिकल माने एमती से जी पठे थ माने पूरा डिटो गोटे पठाई थी जोटा कि तुम छुआ देख यादारा हैकिंग पसिबिलटा बेस होगा वन टाइप ऑफ फिशिंग एक्टिविटी को फिशिंग एक्टिविटी तमें एमती से तुमको गोटे मेल मेल पठाईदे गोटे लिंक तुम क्लिक करदेव तुम पर्सनाल डिटेल से सब गुड़ाक नहीं जी बुझे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पचार आम भल से क्वेश्चन को पढ़ा तापर करपरिया अलग कथा क्वेश्चन कौन कही देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द की इनिशिएटिव अंडर द डिजिटल इंडिया बर्तमान जानी मोदी सरकार आसला पाखु डिजिटल इंडिया बहुत किसी कथ कर से कही या भितर गोटे कौटा गोटे मुख्य इनिशिएटिव रूप में नि गोटे प्रोग्राम डेवलप कमन यूनिफाइड प्लेटफॉर्म एंड मोबाइल ऐप फैसिलिट टू सिंगल पॉइंट एक्सेस ऑल गवर्नमेंट सर्विस सब गवर्नमेंट सर्विस को तुम एक्सेस कर पार कौन चाकरी बाहरी केबे पकेबू तार लास्ट डेट कौन तार क्वालिफिकेशन कौन क्वेश्चन टाक बुझ बुझिपार कौन कहली जे क्वेश्चन यही कथा कहूँ जे या भितर कौ आप्लिकेसन गवर्नमेंट द्वारा तुम लॉन्च कर जो थे कि आम चुटकी गवर्नमेंट सर्विस बाबद आम सबकि जापर कौटा अभीम NVPS उमंग ना आपणकर उड़ान कौटा हम करेक्ट आंसर तो कर करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर 34 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन रे नहीं आपड़ जोटा दूसरी सुमी मैडम ऑप्शन रे नहीं तेणु करेक्ट आंसर हूँ उमंग नॉट दबंग किए कहीदब सारे ये दबंग हम दबंग नुह से उमंग गोटे जॉब एप्लीकेशन बुझेगा एटा गोटे जॉब एप्लीकेशन गोटे जॉब प्लेटफॉर्म बुझेगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो रीजनिंग क्वेश्चन को जीवा रीजनिंग क्वेश्चन डेरी करवानी रीजनिंग क्वेश्चन मुझे निश्चित भाव में स्क्रीन को बड़ करी ना आउ हेनी बुझे चलो कर रीजनिंग क्वेश्चन यही थर पकई थी सी एस्ट्रे
एक्स अनुपात वाई दे देछि से तुमको पचारि जे यार भैल्यूटा केत हम यार अनुपात भैल्यूटा केत हम जल्दी जल्दी करो वो करेक्ट आंसर कौन हम। थैंक यू जो मन क्वेश्चन आसला बहुत भल कथा गौरी ना किए बहुत दिन परे गौरी सारे आसचंदी आम पाखक फेरी चंदी। ओके ठीक अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद गौरी। तो कहो करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर जदि एक्स अनुपात वाई जदि पाँच अनुपात चार हुए ताले यार भैल्यूटा केत हम किसी ना छुआ ये क्वेश्चन जिते बड़े तुम डायरेक्ट आसूची ना ना कंप्यूटर क्वेश्चन ठीक थिला गुटे दुटा क्वेश्चन से बड़ हो गला रसुनी जहाँफल आनी हेलानी तेणु धरी हेलानी आउ कौन कर बुझे हो ना। ठीक अच्छे तो कह करेक्ट आंसर कौन हम जदि एक्स अनुपात वाई जब एति गला शुण जो एक्स अनुपात वाई डायरेक्ट तुमको ये दौर गोटे कथा सब मन रख यार अर्थ हूँ एक्स इजिकल टू पाँच वाई इजिकल टू हूँ तुम चार डायरेक्ट भैल्यू पुट कर पुट दि भैल्यू गेट दि एनसर तेणु ये डायरेक्ट गुणी देते कथ हूँ मैं डायरेक्ट गुणी करदे छुआ स्क्रीनशॉट अच्छे तेणु पाँच छु कोड़े माइनस तीन छु बार डिवाइडेड बै ये रोची तीन पंचा पंदर प्लस ये हूँ कोड़े तेणु बर्तमान जदि मुटा को लक्ष्य करी ये हूँ कोड़े दस तीस बतीस डिवाइडेड बै तुम ये आसी होते पैंतीस तेणु कतर काटी तीन रटि हम तीन रटिले तीन रम कट बतीस अच्छी बा तीन रटिले तो होनी पाँच कटि कि पाँच रही तो कटुनि चार भूल है कि ओ सरी कोड़े बार कोड़े रु बार जी सरी सरी एक्सट्रीमली सरी 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 सेटा थिला होची कोड़े माइनस बार ये हूँ तुम थिला होची पैंतीस सरी 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 एक्सट्रीमली सरी है तेणु कोड़े रु बार गले ये हूँ आठ ये हूँ तुम कते ये हूँ पैंतीस भूल है कि रो 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 मुझे टी चेक करे ठीक अच्छे 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 मुझ भूल कर भूल कर तुम आंसर ठीक अच्छे मुझ भूल कर देख आउ थे करूँ फाइव इंटू वाई पाँच वाला हूँ कोड़े कोड़े फाइव वाई अच्छी बा माइनस थ्री इंटू एक्स हेले तीन पंचा पंदर नुहे कि डिवाइडेड बै तीन पंचा पंदर यू तो जना पड़ जाऊँ आउ मत कि पड़बनी। ठीक अच्छे मुल्टा करदे कोड़े रु पंदर गले आउ पाँच मत आउसी तल भी कर आवश्यकता ना कौन ऑप्शन हेनी यार स्टार्टिंग रु ही पाँच अच्छे ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे एवं बुझीगला मुझे भूल करदे निश्चित भाव धन्यवाद योग्य समस्ते निहाती भाव प्रथम आंसर दे थी बहुत बहुत धन्यवाद निश्चित भाव। ठीक अच्छे चलो नेक्स्ट सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर क्वेश्चन पचार परसेंटेज क्वेश्चन पचार क्वेश्चन कही जदि तीस परसेंट अफ ए इजिकल टू जीरो पॉइंट टू फाइव अफ बी इजिकल टू वन बै पंदर बोधे यहाँ छुआ भूल अच्छे ये टी लिखा भूल अच्छे मुझ तुमको एक्जाक्ट क्वेश्चन टा कौच वन बै पंदर बुझेगा वन बै पंदर इजिकल टू एट वन बै पंदर छुआ ये बै छाड़ ताल ए अनुपात बी अनुपात सी कत हम एक नंबर क्वेश्चन सहज क्वेश्चन किसी कष्ट क्वेश्चन ना सहज क्वेश्चन जल्दी कर कह करेक्ट आंसर कौन देख ये किसी ना मुझे तीस परसेंटा को डायरेक्ट लिखिपर कौन तीस परसेंटा को मुझे डायरेक्ट कौन लिखिपरि तीस परसेंटा को कौन लिखिपरि तीस बै शहे बा गोटे शून को गोटे शून कटिगला मुझे डायरेक्ट लिखुची बुझिपार कौन लिखुची तीस बै शहे बाकी लिखिपरि तीन बै दस। ठीक अच्छे तीन बै दस लिखिली इंटू ए लिखिली या लिखिली इजिकल टू पचीस जीरो पॉइंट टू फाइव अच्छे जीरो पॉइंट टू फाइव अच्छे मैंने मुझे कैसे लिखिपरि पचीस बै शहे लिखिपरि
तेणु यू लिखिपर वन बै फोर इंटु बी एटा वन बै पंदर अच्छी ताको लिखिदे वन बै पंदर इंटु हूँ कते सी ये रहा ठीक अच्छे तेणु बर्तमान मु कौन करुच्ची देख ए जगार ए जगार कौन करवा आम ऊपर गुड़ाक सब सामान करवा तेणु आम यार लस आगे ना कार लस आगे ना दस चार आंदर बुझिपार तेणु दस चार पंदर दस चार पंदर यार जब लस आगे आम नौचे दुई पकड़े तुम दुई पंचा दस दुई पंचा दस दुई दुणे चार ये रहा पंदर उलैला दुई सॉरी पाँच रे काटिले ये हूँ पांच के पाँच ये दुई उलैला पाँच तीर पंदर तेना टोटाल उपरे कत हो पाँच दुणे दस तीस तीस दुणे हूँ कते षाठिए तीस दुणे षाठिए कि तीन दुणे छ ये हूँ दस षाठिए तेणु षाठिए देख डायरेक्ट मुद डायरेक्ट मुद देख डायरेक्ट करुच्ची तेणु एटी षाठी गुणी एटी षाठी गुणी एटी षाठी गुणी तो ये षाठी गुणिले डायरेक्ट के आस दस काटिले दस ओ षाठी भलसे देख दस ओ षाठी ये गुणी षाठी एटी गुणी षाठी एटी गुणी षाठी तेणु दस ओ षाठी छतरी कत अठर ये हूँ अठर ए अनुपात सॉरी इजिकल टू अठर ए अनुपात बा अठर ए इजिकल टू एटी भी जब मुझे गुणी पंदर आस पंदर भी पंदर चु षाठी तापर एटी जब गुणी चार आस चार सी ए आसबन कि चार सी हाँ दस षाठी छः कटिले छतरी अठर हो तीन पा गोटे अच्छी ऐसा नुह कि तेणु बर्तमान देख जो ए अनुपात बी अनुपात सी आसबले यही एक्सप्रेसन तुम आसी जा सब मन रख ए जितेबाला काढ़ एटा को नुचाई दब बुझिपार बाकी दुटाक गुणी दब ए को जितेबाला काढ़ुच ए को नुचाई दब बाकी रहा किए पंदर चार से दुटा गुणी दब कहते षाठी अनुपात तापर बी को जितेबाला काढ़ुच बी को नुचाई दब आउ किए रहा अठर चु कते अठर चु अठर गुणन चु कत बास्तरी तापर जो सी काढ़ुच सीटा को कौन कर नुचाई दब सीटा को नुचाई देखा आउ किए रहा अठर इंटु पंदर अठर इंटु पंदर कत दुईश सतुरी तेणु यटा को जब काटा छह काटिले हूँ देखनी गोटे सेकेंड हाउ छह काट देखा छह काटिले छदशा षाठी छह तो कटुनि रही तो टिके रुह छदशा छदशा सरी हाँ छह काटिले छदशा दस अनुपात बास्तरी बा बास्तरी ये हूँ बार दस अनुपात बार तापर हूँ छह काटिले छह काटिले दुईश सतुरी डिवाइडेड बाय छ पैंचाश ना तो कौट गोटे भूल है लगे अठर छु हम एटा दुईश सतुरी केमी हम सरी पंदर छु षाठी बार सौ बास्तरी दस अनुपात बार भारी पड़ चु दस अनुपात बार भारी पड़ चुके दुईश सतुरीटा ये गोटे भूल है लगे पंदर छु षाठी कौट गोटे भूल है लगे दुईश सतुरी बै छ कर पैंचाश आस पैंचाश आस दस अनुपात बार अनुपात पैंचाश आस दुईश चालीस हम ना गोटे सेकेंड रुनि अठर इंटु पंदर गोटे सेकेंड रु बहुत गोटे भूल है अठर इंटु पंदर ना दुईश सतुरी हो
ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଗୁଣିବନି, ସି କାଢ଼ିଲେ 18 × 15 କରିବ 270। ଡାଇରେକ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ କରିଦେଲେ ହେଇଯାଉଛି, ଅଠର ପନ୍ଦର ଚାରି ନା ତ 1/15 270 ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଛାଡ଼ି ଦ, ଏଇଟା ଛାଡ଼ି ଦ, ଛାଡ଼ି ଦ, ଟିକିଏ କେଉଁଠି ଏପଟ ସେପଟ ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଟା ସଲ୍ଭ କରିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି ହେଲା। ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ କେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ସଲ୍ଭ କରିକି ଦେଖେଇବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଦେଖେଇବି ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖେଇବି, କଥା ରହିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖେଇବି ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଛୋଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହୁଛି ବୁଝଉଛି, ଛାଡ଼ି ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖେଇବି। ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁ, ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆସୁ, ମୁଁ ଏଇଟା କରେଇଥିଲି ଅନ୍ ଏକାଡେମୀରେ ବି କରେଇଥିଲି ହେଲା। ଚାଲ କୁହ ୟାର ଟ୍ରିପ୍ଲିକେଟ୍ ରେସିଓ କେତେ, ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କରେଇକି ଦେଖେଇବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ କରେଇକି ହିଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି, ଖାତାରେ କରିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଟ୍ରିପ୍ଲିକେଟ୍ ରେସିଓ କେତେ ହେବ ୟାର, ଟ୍ରିପ୍ଲିକେଟ୍ ରେସିଓ, ୟାର ଟ୍ରିପ୍ଲିକେଟ୍ ରେସିଓ କେତେ ହେବ, ଛ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ପକେଇଥିଲା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ରେସିଓ, ଏଠାରେ ପକେଇଛି ଟ୍ରିପ୍ଲିକେଟ୍ ରେସିଓ, ବୁଝିପାରୁଛ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ, ଏଠାରେ ପକେଇଛି ଟ୍ରିପ୍ଲିକେଟ୍ ରେସିଓ, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଟ୍ରିପ୍ଲିକେଟ୍ ରେସିଓ ଯେତେବେଳେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ରେସିଓ କରିବ, ମନେକର ଏ ବାଇ ବି ଗୋଟେ ଅନୁପାତ ଦେଇଛି, ତା'ର ଯେତେବେଳେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ରେସିଓ କରିବ କିଛି ନାହିଁ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରିବ ମାନେ ଇଆର ସ୍କୋୟାର କରିଦେବ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଇଆର ସ୍କୋୟାର କରିଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିପ୍ଲିକେଟ୍ ରେସିଓ ପଚାରିବ ଇଆର କ୍ୟୁବ୍ କରିଦେବ କାର ଏ କ୍ୟୁ ବାଇ ବି କ୍ୟୁ, ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ 13ର କ୍ୟୁ ବାଇ 19ର କ୍ୟୁ କେତେ ହେବ, ଆନ୍ସର୍ କର, ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ରେସିଓ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରିପ୍ଲିକେଟ୍ ରେସିଓ, ବୁଝିହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ରେସିଓ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରିପ୍ଲିକେଟ୍ ରେସିଓ, ଠିକ୍ ଅଛି କର, 13ର କ୍ୟୁବ୍ 19ର କ୍ୟୁବ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କର, 13ର କ୍ୟୁବ୍ 19ର କ୍ୟୁବ୍ କେତେ ହେବ ଆନ୍ସର, 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଟା ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, 13ର କ୍ୟୁବ୍ ଇଏ ହେଉଛି 19ର କ୍ୟୁବ୍, ବୁଝିହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଚାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ୟା ପର ଲେଟରଟା ତୁମର କ'ଣ ଆସିବ, ୟା ପର ଲେଟରଟା ତୁମର କ'ଣ ଆସିବ, ସେଠି ଟିକିଏ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିଦେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା, ନହେଲେ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ତ ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ କେଉଁଠି ହେଇଛି ଦେଖିଦେବି, ମୁଁ କରେଇଦେବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି କରେଇଦେବି ହେଲା, ସେଠି ଗୁଣିବାରେ ନଚେତ କ'ଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ପା ମୋର ହୁଏ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗୁଣିଥିବି ତାକୁ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଭୁଲ କରିଦେଇଥିବି, ଏଇଭଳିଆ କରୁଥିବି, ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ମୋର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିଏଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇଥିଲି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିଏଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ଆସିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ, ତ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହିଁ ମୋତେ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପଡ଼େ, ବୁଝିପାରୁଛ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ, ମାନେ ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିବ, ପ୍ଲସ୍ ଜାଗାରେ ମାଇନସ୍ କରିଦେଇଥିବି, ମାଇନସ୍ ଜାଗାରେ ପ୍ଲସ୍ କରିଦେଇଥିବି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ତ କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ, କ'ଣ ଲଜିକ୍ ଲାଗିଛି କୁହ, ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ କର, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କିଛି ନାହିଁ ଛୁଆ, ଏଠି ଲଜିକ୍ ଲାଗିଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍, ଏଇ ଲଜିକ୍ ହିଁ ଲାଗିଛି, ବୁଝିପାରୁଛ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍, ବୁଝିହେଲା, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍, ସେଭଳିଆ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ତେଣୁ ପିର ଯଦି ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କରିବା ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର୍ ଆସିବ, ତେଣୁ ଆର୍ ତା'ପରେ ୱାନ୍ କଲେ ହେଉଛି ଏଲ୍, ତା'ପରେ ୱାଇ, ତା'ପରେ ହେଉଛି ଏଫ୍, ତେଣୁ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛ ସେମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, ଏକ ମାର୍କ ସହିତ ଯାଉଛୁ, ପୁରା ପଜିଟିଭ୍ ମାର୍କ ସହିତ ଏକ ମାର୍କ ସହିତ ଯାଉଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଚାଲ କର, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, 11:120, ଯଦି 11ଟା ଯଦି ତୁମର ଏତିକ ହୁଏ, 120 ଲେଖି ହୁଏ, ତାହେଲେ 13ଟାକୁ କେତେ ଲେଖିବା, ଜଲ୍ଦି ତୁମର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ବାଲା ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବେଶୀ ଆସୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମିନିମମ୍, ଆମେ ପେଡ଼୍ ବେଚ୍ରେ ଆମେ ମିନିମମ୍ ଆମେ 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୁଁ ଖାଲି ଧାରା ବତେଇ ଦେଇଛି, ତୁମେ ଖାଲି କ'ଣ କରିବ, ଖାଲି ଯେଉଁ ପିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଚାଲିଲା ସେ ପୁରା ସର୍ କଲା, ବୁଝିପାରୁଛ, ଯେତେ ପ୍ରକାରର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରେ ଆମେ ସେତେ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଦେବା, ବୁଝିପାରୁଛ, ଯିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ରିଜନିଂ ସେ ଭଲ କରିବ, କାରଣ ଜିକେରେ ତୁମେ ମାର୍କ ଉଠାଇ ପାରୁନ, ବୁଝିପାରୁଛ, ଜିକେର ମାର୍କ ଉଠାଇ ପାରୁନ, ରିଜନିଂରେ ମାର୍କ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସାର୍ଭ କର, ମୁଁ କହିଦେଲି, ମାଇଣ୍ଡ ଯଦି ସାର୍ଭ ନ କରିବ କିଛି ହେବନି, କିଛି ନାହିଁ, 11ର ସ୍କୋୟାର କରିଦିଅ, 11ର ସ୍କୋୟାର କରିଦେଲ 121 - 1 କରିଦିଅ 120,
सेगुड़ा तेरह स्क्वयर करदि तेरह स्क्वयर करदि माइनस वन करदि कत हे शहे अड़सठ हम बुझेगा शहे अड़सठ जो मैंने देखकर करेक्ट आंसर अच्छे ठीक अच्छे बुझिपार समस्ते आग को बढ़िया बढ़िया कि नहीं चलो नेक्स्ट चलो करो नंबर सीरीज रु पचार आपरटा के जल्दी नंबर सीरीज रु पचार आपरटा के तीन दस एक चौरानबे आउ नंबर सीरीज रु क्वेश्चन आसुनी मैंने ये सब करदे मैंने कौन आडभांस लेवल क्वेश्चन सब करदे जमी पिला कटतु तार मुख्य लक्ष्य हूँ यहाँ पिला कटतु पिला जमी न पातु तार मुख्य लक्ष्य हूँ यहाँ तो कह यार करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर कौन किसी ना छुआ ये आई जे टे चलाइए छुआ सी आराम से कर लॉजिक लगी किए कहीपर जे डेलीबेसीस प्राक्ट कर लॉजिक आराम से कहीपर जे डेलीबेसीस प्राक्ट कर देख कि ना इंटु तीन करदि प्लस वन करदि सबुति लगे दि देख हो इंटु तीन प्लस वन करदि सबुति बहुत बढ़िया राजश्री दुईश तेईस बढ़िया सरी दुईश तेयाशी अप्सन नंबर सी हम करेक्ट आंसर ओके ठीक अच्छे इंटु थ्री प्लस वन मुझे खाली कहीदे धारा कहीदे तुम मैंने पीडीएफ नहीं कि प्राक्ट करदेव चलो नेक्स्ट कह यही आसीगला तुम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन रु क्वेश्चन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन रु क्वेश्चन आसीगला कर सो ये सुनीता कथ कई तो कह करेक्ट आंसर कौन हम जेहेतु से आज किसी दिन पर बीड एंट्रान्स दे कि पलिजी बुझे ना ना बीड कर तो कह करेक्ट आंसर कौन हम कौन बेड़ा किसी ना सहज क्वेश्चन रे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन रु सहज क्वेश्चन रही देख क्वेश्चन कौन कही देख सुनीता वाक 45 मीटर सुनीता कौटी गला साउथ को गला 45 ठीक अच्छे साउथ मैंने बुझीपुर थोड़ू से बाहर एवटू गला 45 मीटर ठीक अच्छे तापर से राइट को जा तार राइट को जाइए यहाँ जब आम देखा तार राइट कुआड़ी हम एणिक हम बाम आड़ हम आम जो बाम तार से राइट तेना यहाँ है 45 ठीक अच्छे 45 गलापर देख नेक्स्ट से कौन कही से रईट को गला और 20 मीटर जाइए ये 20 मीटर सपोज एवटू ये गला 20 मीटर 20 मीटर गला रईट को गला 20 मीटर बुझे कि ना जाकि कौ स्थान पहुँचला एल नामक स्थान में पहुँचला ठीक अच्छे बर्तमान से कहे से कौन कर रईट को जाइए और 45 मीटर जाइए यू फेर से कौन कर 45 मीटर जाइए बुझे कि ना तेणु बर्तमान से कहे से बर्तमान तार स्टार्टिंग पॉइंट रु माने एल रु जब आम लक्ष्य करवा एल रु से बर्तमान केत बाटर अच्छी एल रु बर्तमान से केत बाटर अच्छी बुझिपार तार से कही हाउ फार इज हि फ्रम दि पॉइंट एल तेणु एल रु से केत बाटर अच्छी स्टार्टिंग पॉइंट रु से केत बाटर अच्छी किए कह करेक्ट आंसर कौन हम तो से कत बाटर अच्छी कौन बेड़ा वेरी गुड बहुत बढ़िया सार केमी है एटा एल ना एटा एल कत बेटा एवटे ये कोड़े भलसे देख एवटे ये कोड़े जदि आम स्ट्रेट भी करदे बुझिपार यहाँ एल तो जदि भी आम स्ट्रेट करदे यू से बाहर दिला बुझिपार सौ से कड़ी जाइला साउथ को जाइला तेणु कत 45 हम ना ना 45 हम कि ना 25 हम ना ए 25 केमी हो तुम से पचार हाउ फार इज फ्रम पॉइंट एल से कही हाउ फार सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट देना
ସେ ଏଲ୍ରୁ କେତେ ବାଟରେ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ? ସେ କହିଛି ଏଲ୍ରୁ, ସେ କହିଛି ଯଦି ସେ କହୁଛି 45 ମିଟର ଯାଏ, କହିଛି ହାଉ ଫାର୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍, କହିଛି ସେଇ ବିନ୍ଦୁରୁ, ସେଇ ବିନ୍ଦୁରୁ ଏଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ବାଟ ଅଛି? ଯଦି ଏଇଟା 45 ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେବ? 45 ହେବ। ସେ ପଚାରିନି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେବ? 45 ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆମର ବୁଝିବାଟା ଭୁଲ ଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ? ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଥିଲି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଆସିଥାନ୍ତା, ବୁଝିହେଉଛି? ଆରେ ସେ ପଚାରିଯିବା ହାଉ ଫ୍ରା ହାଉ ଫାର୍, ସେ କେତେ ବାଟରେ ଅଛି? ଇଜ୍ ସି ଫ୍ରମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଲ୍, ଏଲ୍ ଠାରୁ ସେ କେତେ ବାଟରେ ଅଛି? ତାମାନେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା, ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା, ଏଇ ଏଲ୍ ଠାରୁ ଇଏ କେତେ ବାଟରେ, ଏଇ ଏଇ ବାଟଟା କେତେ ଅଛି? ଏଇ ବାଟଟା, ଏଇଟା ଯଦି 45 ହେଲା, ଏଇଟା ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? ଆରେ ସେ ପଚାରିନି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟରୁ, ସେ କହିଛି ଏଇଠି ଆସିକି ଫାଇନାଲ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନା, ଏ ଫାଇନାଲ୍ ପୋଜିସନ୍ରୁ ଏଲ୍କୁ ଦୂରତା ପଚାରିଛି, ବୁଝିହେଲା? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ, ଚାଲ କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କହିଛି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଅଛି 6 ଫ୍ରମ୍ ଦି ବଟମ୍ ଏବଂ 28 ଫ୍ରମ୍ ଦି ଟପ୍, ତାହେଲେ ସେ କହିଛି ସେଥିରେ କେତେ ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖ ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଚାରିଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କା 6 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ, ମାନେ ବଟମ୍ ଆଡ଼ୁ, ମାନେ ଶେଷ ଆଡ଼ୁ ଅଛି 6 ନମ୍ବର ପୋଜିସନ୍ରେ, ଶେଷ ଆଡ଼ୁ ଅଛି 6 ନମ୍ବର ପୋଜିସନ୍ରେ, ଏବଂ ଉପର ଆଡ଼ୁ ଯଦି ଦେଖିବା 28 ନମ୍ବର ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ପଚାରିଛି ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ କେତେ ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ, ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା କ'ଣ, ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କେତେ କରିବ? ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କେତେ କରିବ? ଲେଫ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟ୍, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି, ବା ଟପ୍ ପ୍ଲସ୍ ବଟମ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 28 + 6, 28 + 6, 6 ନ ମିଶାଇକି 5 ମିଶାଇ ଦିଏ, ଯେତିକି ହେବ ସେତିକି, ଗୋଟେ କମାଇ ଦେଲି ମୁଁ। ତେଣୁ 8 × 5 = 13 ନେଲା 1, 33 ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ବୁଝିହେଉଛି? 33 ହେବ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? 33 କେମିତି ହେବ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ତ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଚାଲ ନେକ୍ସଟ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନେକ୍ସଟ କୁହ। ଯଦି ସର୍ଜନକୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିଲେ ଏଇଭଳିଆ QLH QLH DUR V, କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳି ଲେଖିଲେ, ତାହେଲେ ସ୍ୟାଡ଼ୁକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା? କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେଇଛି ଲଜିକ୍ଟା ମୋତେ କୁହ, କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ଏଠି ଲଜିକ୍ ଲାଗିଛି? ଯେଉଁମାନେ ପେଡ଼ବେଚ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ। ଆମର 29 ତାରିଖ ପାଖରୁ ପେଡ଼ବେଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, CST ଆଣ୍ଡ USST ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ପେମେଣ୍ଟ। ତ କୁହ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ ଇଫେକ୍ଟିଭ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା ବି ହେବ। କ'ଣ କେମିତି ବି ହେଲା କିଏ କହିବ? ବି କେମିତି ହେଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ଲଜିକ୍ ଲାଗିଛି ରେ, ଲଜିକ୍ କ'ଣ ଲାଗିଛି? ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଲେଖିବି ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ତ? ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଲେଖିଲେ ବୁଝା ପଡ଼ିଯାଉଛି? ରାଇଟ୍, ଏଠି କର୍ଣ୍ଣରକୁ କର୍ଣ୍ଣର ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ଏସ୍ ହେଉଛି 19, ତାପରେ ହେଉଛି ୟୁ ହେଉଛି 21, ବୁଝିହେଉଛି ନା, 21 ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ ଆର୍ ହେଉଛି 18, ତାପରେ ଜି ହେଉଛି 7, ଇ ହେଉଛି 5, ଓ ହେଉଛି 15, ଏନ୍ ହେଉଛି 14, ନୁହେଁ କି? ସେଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି କେତେ, 17, 12, 8। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମର କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଛି, ବୁଝିହେଉଛି, କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ, ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ
करेक्ट आंसर यार जे देखिबो ऑप्शन नंबर बी सहित जीवो ठीक अछि। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट कर। जदि सन को आमे एबले लिखिबा 54, पुट को जदि 57 लिखिबा तले कैट को कोन लिखिबा? कत लिखवा जल्दी, सन को जदि आम 54 लिखवा, पुट को जदि आम 57 लिखवा, कैट को आम कत लिखवा? 25 नंबर क्वेश्चन। सन ये हला हूँ 19 पोजिशन वैल्यू, यू हला हूँ तुम 21 प्लस एन हूँ तुम 14, सब मिसाई देखे कत हो 9 5 14, 8 54 हो केवल प्लेस वैल्यू ही मिसी आउ किसी ना। कैट है ये हूँ 3 प्लस ए है ये और एक ये हला हूँ टी हला हूँ तुम 20 ठीक अच्छे। तेनाली ये टोटाल हूँ 24 हम तेना करेक्ट आंसर कत हम 24 हम करेक्ट आंसर बुझेगा 24 सहित जाऊँ ठीक अच्छे। 24 हूँ करेक्ट आंसर 24 ठीक अच्छे। चलो नेक्स्ट कर, स्टेटमेंट एंड कनक्लूजन रो क्वेश्चन रही कर, स्टेटमेंट एंड कनक्लूजन रो क्वेश्चन रही, स्टेटमेंट एंड कनक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कनक्लूजन पैंतीस नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम जल्दी? क्वेश्चन कही कि पेन होती तुम कप, किसी पेन सरी किसी पिन्स होती कप, तेणु ये हूँ तुम पिन ये हूँ तुम कप ठीक अच्छे। कप सहित बुक रिच्छी रिलेसन ना, बुक रिच्छी रिलेसन ना ठीक अच्छे। तो बर्तमान कही पिन आउ बुक, पिन आउ बुक हेनी, तापर कही पिन आउ बुक भितर नॉट रिलेसन अच्छे ठीक अच्छे, किसी रिलेसन ना। तेणु करेक्ट आंसर कौन हम एटा ओनली टू आईज फॉलोस ठीक अच्छे, ओनली टू आईज फॉलोस है ठीक अच्छे। चलो नेक्स्ट, चलो कर, या भितर कौटा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अच्छी सॉरी भूल कहीदेली, एटा कौ प्रकार सेंटेंस पचार इंग्लिश ग्रामर, एटा कौ प्रकार सेंटेंस पचार एटा कौ प्रकार सेंटेंस पचार 611 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम कौन कही मार्च टू द फील्ड राइट नाउ, पुलिस गुटे ता ऑफिसर को कौच सॉरी पुलिस ऑफिसर तार पैरेड समय कहा जा बुझे बास एनसीसी रे एनसीसी कला बेले टीचर कौन क्या स्टूडेंट स्टूडेंट को कौन कौन जे हूँ मार्च टू द फील्ड राइट नाउ तेना कौन बेटा करेक्ट आंसर एक्सक्लामेटरी हम बेटा मार्च कथा कहुचे ये आदेश दौर एक्सक्लामेटरी हम क्वेश्चन टी बुझ करेक्ट आंसर हूँ इंपारेटिव सेंटेंस हम आदेश दौर बात जल्दी जा बुझे हो कि नहीं इंपारेटिव हम करेक्ट आंसर अरे मार्च टू द से कौच जल्दी जा एनसीस टाइम है बुझे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कही कौटा तुम करेक्टली पंक्चुएट अच्छी जल्दी कौटा करेक्टली पंक्चुएट अच्छी जो मैंने पेडबेज जॉन होगा चाहूँ कंप्लीट कोर्स केवल आर्ट्स पिला कंप्लीट रही साइंस आउ हिंदी संस्कृत पीट पर आम दौ ओनली पेपर वन तो करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर कौटा ठीक अच्छी 97 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हम डिड यू रन आउट ऑफ स्टॉक ऑप्शन नंबर ए हम। चलो नेक्स्ट कर क्वेश्चन पचार या भितर कौटा करेक्टली स्पेलिंग अच्छी कौटा करेक्टली स्पेलिंग अच्छे 98 नंबर क्वेश्चन कौटा करेक्टली स्पेलिंग अच्छी 98 नंबर क्वेश्चन सहस पिला पुल रस मारे कि क्लास करवाक आस कि कम थी पिलांर ओके तो कौन बेटा या भितर कौटा करेक्ट अच्छे 97 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हम
ड्रिंग रो 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 टिके रो टिके रो टिके रो टिके एटा लेख स्पेलिंग भूल अछि को आई थिंक स्पेलिंग भूल अछि बोले ना ना ठीक अछि कोटा करेक्टली स्पेलिंग अछि बिगेस्ट 18 नंबर क्वेश्चन बा बिगेस्ट एटा ठीक अछि तो सही कथा कहि कन्फ्यूजन रही गली बिगेस्ट हम करेक्ट आंसर ना 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 ब्रिंग ब्रिंग रवल सिंगल आई आस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पचारि आम करेक्टली पंक्चुअर्ड सेंटेंस देखा या भितर कौटा करेक्टली पंक्चुअर्ड अच्छी जदि आम करेक्टली पंक्चुएसन मार्क को चेक करवा या भितर कौटा करेक्टली पंक्चुएसन अच्छी कौटा हम करेक्ट आंसर डेस्क्रिप्शन लगे व्हाट्सएप नंबर अच्छे से व्हाट्सएप करदेब निजर नेम लिखिदेव जो मैंने जॉइन होने चाहूँ पेमेंट केमी कर कौन कर सब आम व्हाट्सएप कहू तो अनेशत नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम डी हम करेक्ट आंसर स्नेहा लाइक्स टू गो हाइकिंग फिशिंग स्विमिंग एंड कार्मिंग ड्यूरिंग समर ऑप्शन नंबर डी सहित जीव चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कही यार जब पैसिव वॉइस करवा कौन हम सी कंग्राचुलेटेड द प्लेयर्स यार जब पैसिव वॉइस करवा पैसिव वॉइस कौन हम शह नंबर शह नंबर यार जब आम पैसिव वॉइस करवा यार पैसिव वॉइस कौन हम सी कंग्राचुलेटेड द प्लेयर्स कौन हम करेक्ट आंसर कौन हम शहे नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सहित जीव द प्लेयर्स ओयार कारण ये कंग्राचुलेटेड अच्छी भर पर सेकेंड फर्म अच्छी से ही अनुसार हेल्पिंग भर आसव बुझेगा ठीक अच्छे बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कही कौ प्रकार सेंटेन्स पचार व्हाट ए लवली सॉन्ग व्हाट ए लवली सॉन्ग व्हाट ए लवली सॉन्ग पचार कौ प्रकार सेंटेंस 101 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम करेक्ट आंसर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नेक्स्ट करेक्ट स्पेलिंग कौटा 102 नंबर एक्सप्लोरेशन 102 नंबर एक्सप्लोरेशन 102 नंबर एक्सप्लोरेशन नेक्स्ट द चिल्ड्रेन स्टैक्ड डैश द हिल ओडी तो कौन बेटा करेक्ट आंसर जल्दी करो तो ये कही स्केटेड अच्छी बा तो स्केटेड अच्छे मैंने 103 नंबर क्वेश्चन कौन हम करेक्ट आंसर एटा डाउन हम स्केटेड डाउन हैला स्केटेड डाउन हम करेक्ट आंसर एटा स्केटेड डाउन चलो नेक्स्ट नेक्स्ट
पैसिव वॉइस कौन भाई यार कह आई एम फीडिंग द काउज आई एम फीडिंग द काउज आई एम फीडिंग द काउज आउ किछि दिन पर देखिवो यूट्यूब यूट्यूब भितर टिके झगड़ा लागिवो बुझि पड़छ ना माने ये गोटे न्यूज कहीदेला बेलू सी आउ जने सार आसुछन्ति से कहुछन्ति ये न्यूज फेक आउ जने सार आसुछन्ति से कहुछन्ति एटा राइट ये भूल सी ठीक पिला ता द्वारा सफर होउछन्ति बुझे हो कि नहीं तो 104 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो द काउज आर कौन हम बींग फेड बाय मी बुझिपार ना नहीं तेणु सत तो निहाती भितर गोटे थी बुझिपार कि ना आज गोटे भाइराल से भाया नेक्स्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्वेश्चन कर हिज डॉग इज डैश इज अच्छे मैंने कौन हेटा सब्जेक्ट वर्ब नुहे एटा टेन्स रु पचार तो कौन बेटा इज अच्छे मैंने आई एन जी फर्माट नब आ कि तो नबनी आ जंपिंग हम करेक्ट आंसर हो चलो नेक्स्ट एटा पचार कौ टेन्स अच्छी आई वाज इटिंग द आई वाज इटिंग द क्यारोट तो कौन बेटा हाँ रही जीवा राइट तो टाइप हो आसुना डाटा सरी बोधे तुम फ्लाइट मोड करके देख तेणु कौन बेटा पास्ट कंटिन्यूअस अच्छे आ कि ना पास्ट कंटिन्यूअस है चलो नेक्स्ट अच्छे नाइदर अच्छी नाइदर नर अच्छी तेल कौन हम नाइदर नर आइदर और नाइदर नर पर कौन लगे आइदर और नाइदर नर पर कौन लगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आइदर और नाइदर नर पर कौन लगे 107 नंबर क्वेश्चन डी हम करेक्ट आंसर इज सिंगुलर ठीक अच्छे चलो पेडागोजी कर द क्राइटेरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज रिलेटेड टू डैश जो इंडिविजुअल डिफरेंस रही तार क्राइटेरिया क्या सहित रिलेटेड इमोशनल फिलिंग सहित मोटर एबिलिटी सहित इंटेलिजेंस सहित ना ऑल ऑफ द अबव हम करेक्ट आंसर जल्दी पेडागोजी क्वेश्चन तो कौन बेटा इंडिविजुअल डिफरेंस रो क्राइटेरिया पचार वेरी गुड जो मैंने ऑल ऑफ द अबव दे करेक्ट आंसर अच्छे किसी असुविधा ना ऑल ऑफ द अबव सहित जीव चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पचार हुईज पेयर अफ द फलोईंग गैप द कनसेप्ट अफ फ्लुइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेन्स किए देते क्रिस्टलाइज एंड फ्लुइड इंटेलिजेन्स थ्योरी या भितर किए देते क्रिस्टलाइज एंड फ्लुइड फ्लुइड इंटेलिजेन्स थ्योरी किए देते कौन हम करेक्ट आंसर वेरी गुड यहाँ तो समस्त जाथ तो यार करेक्ट आंसर हो तुम रेमंड कैटल आउ जॉन हॉर्न बुझे तेणु करेक्ट आंसर जॉन हॉर्न देते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पचार क्रिएटिव चाइल्ड मे बी पुअर इन डैश रिलीजियस वैल्यू सोशल वैल्यू आस्थेटिक वैल्यू ना नन ऑफ दिज कौटा गोटे क्रिएटिव चाइल्ड पाखे कौ प्रकार गुण न थाए हाँ तेणु गोटे क्रिएटिव चिल्ड्रेन पाखे कौटा न थाए मैंने पुअर अमाउंट थाए कौटा हम कौटा हम करेक्ट आंसर रिलीजियस वैल्यू हम करेक्ट आंसर रिलीजियस वैल्यूटा ता पाखे पुअर थाए है रिलीजियस वैल्यू हम बुझा पड़ी समस्त को आग को बढ़िया चलो नेक्स्ट
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहीं इंडिविजुअल हुज मेंटल क्वेश्चन इज ये छुआ टी तुम क्वेश्चन टाइम एपट सपट हो मुझे खाली कहीदे तो ये जो तुम जो क्वेश्चन टाइप कराई टे मिस्टेक रही तो ये 4 नंबर क्वेश्चन ना 4 नंबर क्वेश्चन मन रख ओह सॉरी सॉरी ठीक अच्छे ठीक अच्छे क्वेश्चन पचार गोटे इंडिविजुअल जार मेंटल क्वेश्चन कैत हे इज नॉर्मली स्पोकन एज द मेंटली रिटार्डेड ठीक अच्छे ठीक अच्छे ठीक अच्छे ठीक अच्छे क्वेश्चन ठीक अच्छे ठीक अच्छे मुझे बुझाटा भूल तो कह मुझे ये उड़ी मैंने सहीटा हो क्वेश्चन टा मागे तो कह नॉर्मली स्पोकन ताकू मेंटली रिटार्डेड बोली कहवा पिलार आईक्यूटा केते रे आम मेंटली रिटार्डेड बोली कहवा कौन हम बिलो सतुरी हम तो वेरी गुड बिलो सतुरी हम ए हम करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट या भितर चाइल्ड डेवलपमेंट रो प्रिंसिपल कौटा नुहे या भितर चाइल्ड डेवलपमेंट रो प्रिंसिपल सो ये दीटा हम चाइल्ड डेवलपमेंट प्रिंसिपल रो ग्रोथटा तुम कंटिन्यूस प्रोसेस के आसबोनी एटा डी भी भूल हम आ सी भी भूल हम डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स टू सिंपल एटा हबनी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बुझेगा दीटा हम छुआटे दीटा हम है दीटा हम आंसर दीटा हम बुझेगा ये दीटा हम ग्रोथ के कंटिन्यूस प्रोसेस हेनी बुझेगा ग्रोथ के कंटिन्यूस प्रोसेस हम ना ओके ठीक अच्छे चलो नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर दैट अफेक्ट्स द लर्निंग पॉजिटिवली कौ फैक्टर टा लर्निंग को लर्निंग प्रोसेस को पॉजिटिवली अफेक्ट कर छ नंबर वेरी गुड मीनिंगफुल एसोसिएशन बिटवीन टीचर एंड के स्टूडेंट चलो नेक्स्ट इफ ए टीचर वांट्स टू हर स्टूडेंट टू बी एक्वायर द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल द स्टूडेंट शुड बी एंगेज इन द एक्टिविटीज दैट इनवॉल्व डैश प्रथम रिकल अच्छी से कल अच्छे रिकल है टी क्वेश्चन टे अच्छे क्वेश्चन डिजाइन टा आज टे अलग प्रकार होडजस्ट कर है कौन करजेस्ट कर कल की आ प्रोब्लेम हेनी कालिका ये प्रॉब्लम हम टे एडजस्ट कर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल टीचर कौन करे वेरी गुड पिलाटी इनक्वायरी कर रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग यही सब कथा गुड़ाक इनवॉल्व नेक्स्ट लर्निंग डिसेबिलिटी मे अकर्स ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट का द्वारा लर्निंग डिसेबिलिटी आसे ना कहार गोटे मैंने लर्निंग डिसेबिलिटी रो कोटा गोटे कारण नुहे लर्निंग डिसेबिलिटी रो कोटा गोटे कारण नुहे छुआ से क्वेश्चन रो जो आंसर टा रीजनिंग क्वेश्चन आंसर टा छुआ मुझे लस आगे 60 हेनी मुझे कौच टिके कौट भूल हो सो लॉस आगे से 60 हेनी मुझे देखे से क्वेश्चन आंसर बुझेगा से लॉस आगे 60 हेनी मुझे लॉस आगे 60 नहीं बुझे दूसरी व्यस्त होवर किसी आवश्यकता नहीं है 20 हम लॉस आगे से ही जुगुरु मोर से 75 बाहर था तेणु करेक्ट आंसर हूँ तुम टीचर्स वे ऑफ टीचिंग है चलो नेक्स्ट हूँ फॉर प्रॉपर एडजस्टमेंट इन द सोसाइटी परसेंटेज प्रॉपर एडजस्टमेंट पे टीचर कौन करेंगे सब गुड़ाक मस्ट भी ये कनेक्टेड भूल भाल अच्छी कनेक्टेड है आउ गोटे हूँ एंथुस्टिक एंड एनर्जेटिक यहाँ ठीक अच्छे आउ मस्ट हैव हिज ओन फिलोसफी ऑफ लाइफ तेणु करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव सहित जीव ठीक अच्छे ऑल ऑफ द अबव हम करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव हम करेक्ट आंसर प्रोसेस ठीक अच्छे किंतु
ଆମର ସେଠି କହିବାଟା ଭୁଲ ଥିଲା। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କୁହ, କିଏ ତମର ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ? ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଥିଓରି, ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଥିଓରି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଭେରି ଗୁଡ଼, ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଏଡୱାର୍ଡ ଥର୍ଣ୍ଣଡାଇକ୍। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଲ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ? ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶୁଭୁନି, ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେ ପରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କଥା ହେଇଯିବା ପରେ। ତ କ'ଣ ବେଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଲ ଅଫ୍ ରେଡ଼ିନେସ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛି ଇଫେକ୍ଟ, ରେ ମୋଟିଭେସନ୍ଟା ନଥାଏ। ହେଲା, ଚାଲ ନେକ୍ସଟ, ଏଇଟା କୁହ, ତମର ଆଡ଼ାପ୍ଟେସନ୍ ଆଉ ଆସିମିଲେସନ୍ କଗ୍ନେଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିଓରିରେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କିଏ ତମର ଦେଇଥିଲେ ଆଡ଼ାପ୍ଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସିମିଲେସନ୍, ଆଡ଼ାପ୍ଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସିମିଲେସନ୍ ଥିଓରି ତମର କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଜଣିଏ ତ ପର୍ସନ୍, ସିଏ ତ ହେବେ ପିଆଜେଟ୍, ଆଉ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପିଆଜେଟ୍। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ, ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ଟୁ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଉଡ୍ ଚେଞ୍ଜ ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ଡେସ୍। ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡ କରିବା, ତ କେତେ ପରିମାଣର ସ୍କାଫୋଲ୍ଡ କରିବା ସେଇଟା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ? ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟିଚର୍, ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ଇନେଟ୍ ଆବିଲିଟି, ରିୱାର୍ଡ ଅଫର୍ଡ ଟୁ ଫର୍ ଦି ଟାସ୍କ, ନା ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। କେଉଁଟା ହେବ? ଦୁଇଟା ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେକୁ ଚୁଜ୍ କରିବ, ଗୋଟେକୁ କାଟିବ, ତେଣୁ ସେଇଟା ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଦୁଇଟା ଏଠି ତୁମକୁ ସମାନ ଆନ୍ସର୍ ଭଳି ଲାଗୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ କେଉଁଟା ହେବ ବେଶୀ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାର ଲେବେଲ୍କୁ ନେବା, ବୁଝିପାରୁଛ? ଇନେଟ୍ ଆବିଲିଟି ନୁହେଁ, ତାର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡ କରିବା, ବୁଝିପାରୁଛ? ମନେ ରଖିବ, ବୁଝିଲା, ତାର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ, ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଦେଖିକି ଦେଖିବ କେତେ ପରିମାଣରେ ପିଲାର ପରଫର୍ମାନ୍ସଟା ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ରହୁଛି, ମାନେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରୁଛି, ଆଉ କେତେ ପରିମାଣରେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିପାରୁନି। ସେସାଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ସ୍କାଫୋଲ୍ଡ କରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ତୁମର ଥ୍ରୀ ଟ୍ରାଏଟ୍ ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ଼ନେସ୍, ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଥ୍ରୀ ଟ୍ରେଡ୍ ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗିଫ୍ଟେଡ଼ନେସ୍, ଏଇଟା ତୁମର କିଏ ଦେଇଥିଲେ? 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ମନେ ରଖିବ, ରେଞ୍ଜୁଲି, ରେଞ୍ଜୁଲି। ହେଲା, ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଂ ଟୁ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍? କେଉଁଟା ନଟ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପଚାରିଛି, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ପାଇଁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ, ନା ତୁମର ହେଉଛି ହେରେଡ଼ିଟି, ନା ହେଉଛି ୱେଲ୍ଥ। କେଉଁଟା ହେବ? ୱେଲ୍ଥ, ୱେଲ୍ଥ, ହେଲା, ୱେଲ୍ଥ। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଥିଓରି ଅଫ୍ ମୋଟିଭେସନ୍? ଟିକେ ପଢ଼ିହେଉନି, ମୁଁ ତଥାପି କହିଦେଉଛି ଆର ଆନ୍ସର୍ଟା, ମନେ ରଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ତୁମର ଆପ୍ରିସିଆଲ୍ ଥିଓରି, ହେଲା, ଏଇଟା ପର୍ସନାଲିଟି ସହିତ ରିଲେଟେଡ଼, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳାଇବା ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର୍କୁ। ସୋ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ କଥା ବା ଯେଉଁ ତୁମ ରିଜନିଂଟା ହେଉନଥିଲା, ଠିକ୍ଠାକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା, ଭଲସେ ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର ଏଇଆ ଥିଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ବି ଏଇଆ କରିଥିଲି, ଭଲସେ ଦେଖ, 30/100 × A, ଏଇଟା ତୁମର 25/100, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର 1/5, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଏଇଆ ଦେଇଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା, 3A/10, 1/4ଟା ହେଇଯାଉଛି ତୁମର 2/4, ଏଇଟା ହେଉଛି 3/5, ତ ଏ ତିନିଟାର ଲସ୍ ଆଗକୁ ନେବ, ତଳେ ଯେଉଁ ତିନିଟା ରହିଛି ହରର ଲସ୍ ଆଗକୁ ନେବ, ନେଇକି ସବୁଥିରେ ଗୁଣିଦେବ, ଗୁଣିଦେଲେ ଲସ୍ ଆଉ କେତେ ହେଲା, 20 ହେଲା, ମୁଁ ସେଇଠି କାଢ଼ିବା ଭୁଲ କରିଥିଲି, ବୁଝିପାରୁଛ? କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା 20 ହେଲା, 20 ହେଲେ ଏଇଟା ତୁମର କେତେ ଆସିଯାଉଛି, 20 ହେଲେ ଏଇଟା ତୁମର ଆସିଯାଉଛି 6 ଆସିଯାଉଛି, 6A 5B 4C। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ତିନିଟା ଅନୁପାତ ତୁମକୁ ଦେଇଥିବ, ଗୋଟେ ସଟ୍ରିକ୍ କହୁଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପେଡ଼ାକୁ ସରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଗୁଲ ସରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପେଡ଼ବେଜ୍ରେ ପଢ଼େଇବା, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ଯେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଏ ରେସିଓ କାଢ଼ିବ, ଏଟାକୁ ଲୁଚାଇଦେବ, ଏଇଟାକୁ ଲୁଚାଇ ଦିଅ, ଆଉ କିଏ ରହିଲା, ବି ଆଉ କିଏ, ସି ରହିଲା, ସେଇଥିରେ ଆଉ ଗୁଣିଦିଅ, ଗୁଣିଦେଲେ କେତେ ହେଲା, 20। ସେଭଳିଆ ବିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଢ଼ିବା, ବିକୁ ଲୁଚାଇ ଦିଅ, ଲୁଚାଇ ଦେଲେ ଆଉ କିଏ ରହିଲା, ବିକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ ଆଉ ରହିଲା ଏ ଆଉ ସି, 6 କେତେ ହେଲା, 24। ଯେତେବେଳେ ସିକୁ ଆମେ କାଢ଼ିବା, ତ ସିକୁ ଲୁଚାଇ ଦିଅ, ଆଉ କିଏ ରହିଲା, 56 କେତେ, 30। ଏବେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯଦି ଆମେ 2ରେ କାଟିବା, 2 10 20, 2ରେ କାଟିଲେ ହେଉଛି 12 × 24, ଏଇଟା 2ରେ କାଟିଲେ 15, ତେଣୁ ଅନୁପାତ କେତେ ଆସିଲା, 10 ଅନୁପାତ
बार अनुपात पंदर मुझे कहते ना मुझे टी भूल कै देखुच लस आगे हवा कथा कैसे मुझे करते देखिपार ना बुझिपार ना मुझे कौन कहली तेणु छोट छोट भूल मो द्वारा हुए तो सहीटा टी लक्ष्य कर छुटी लस आगे षाठी हेनी से तुम कोड़े हम बुझिपार तो सही षाठी करदे तो से आंसर भूल आसला कि प्रोसेस ठीक ठाक ठीक अच्छे ओके ठीक अच्छे चलो ओडिया ग्रामर आम टे वर्तमान नजर पकईद कि डाउनलोड कौन हो क्या हो चलो को धूली एटा हमर के लिखी चंदी धूली एटा गोटे को क्लास रो थिला धूली वन बाय पंदर थिला रो 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 तथा भूल अच्छे ना कौन गोटे सेकेंड ना ना पंदर नुह से पाँच थी पाँच पाँच क्वेश्चन पाँच थी मोर से भूल अच्छे मुझे पंदर नहीं जाइली है क्वेश्चन टा देख मुझे देखा दूँ तार एक्जाक्ट क्वेश्चन टाइटा मुझे देखा दूँ ठीक अच्छे यहाँ हूँ तार ठीक प्रोसेस है देख देख ये क्वेश्चन देख ये देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक अच्छे वन बै पाँच बुझेगा एवं बुझेगा ना एवं बुझेगा तो देख पार तो सी मोर लेखा से जो बैटा बैटा से पंदर हो जाए मैंने एक बै बै न लेखिक से लिखी देखिए एक एक पंदर मुझे पंदर बोली भाभी बुझिपार ना पंदर ने आम ठीक आंसर थी एवं बुझिपाल बुझिपाल तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टा से भूल थी है ठीक अच्छे ठीक अच्छे को धूली किए लिखिं धूली धूली किए लिखिं धूली 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 लिखिं तुम किए धूली एक नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर फकीर मोहन सेनापति लिखिं किए लिखिं फकीर मोहन सेनापति अनाम यार रचयिता किए गोपीनाथ महांती लिखिं किए लिखिं गोपीनाथ महांती नेक्स्ट मु पूरी बेलाभूमि समुद्र देखी रैपिडली कर चल मु क्वेश्चन पढ़ला भितर आंसर करदे थो देखी गोटे कौन कि पद देखी कि पद देखी से पचार कि प्रकार विशेष तेणु निश्चित भाव में क्रिया जात होना तेणु क्रियावाचक हम करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट जार लुण खाइब तार गुण गाइब तेणु ये जार तार यहाँ कौ प्रकार सर्वनाम जार तार यहाँ कौ प्रकार सर्वनाम चारि नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम चारि नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर हूँ आपेक्षिक है संबंध रोचे से खूब जोर रे पवन बहुत कि प्रकार विशेषण खूब जोर रे पवन बहुत पवन बहुत देख बहुत जोर रे पुणी खूब माने देख बुझापा चेष्टा कर बहुत क्रिया ताको विशेषित करुची जोर रे ताको विशेषित करुची किए खूब तेणु क्रिया विशेषण विशेषण ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर क्रिया विशेषण विशेषण बुझिपार क्रिया विशेषण विशेषण चलो नेक्स्ट कह रक्षित धातुर नाम कौन रक्षित रक्षित धातुर नाम कौन रक्षित
ରକ୍ଷିତ ଧାତୁର ନାମ କ'ଣ? ଛଅ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଛଅ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରକ୍ଷିତ, ଭେରି ଗୁଡ଼, ରକ୍ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ରକ୍। ନେକ୍ସଟ୍ ଚିକିତ୍ସା, ଏହାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ସାତ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ୁଛି। ତ କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ମନେ ରଖ, କିତ୍ ସନ୍ ଅ ଆ, କିତ୍ ସନ୍ ଅ ଆ। ନେକ୍ସଟ୍ ବୈ ସରି ବୈଶ୍ର ବଣ, ଏଥିରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଛି? ଏଥିରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଛି? ବୈଶ୍ର ବଣ, ଅ ଅନ୍ ଅଣ ନ, କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଛି? କ'ଣ ବେଟା? ଆଠ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଅ ହେବ। ଚାଲ ଧୂଳି ସାତ, ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥ ରହିଛି? ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥ ରହିଛି? ସ୍ୱପ୍ନମର ଧୂଳି ସାତ ହେଇଗଲା, କରପ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱପ୍ନମର ଧୂଳି ସାତ ହେଇଗଲା। ପରିଣତ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିପାରୁଛ? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ୍, ପୃଥିବୀ ସହଜରେ ତାତିଯାଏ ଓ ସହଜରେ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଏ, କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ସହଜରେ ତାତିଯାଏ, ସହଜରେ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଏ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ପୃଥିବୀ ସହଜରେ ତାତିଯାଏ ଓ ସହଜରେ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଏ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଦଶ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ, ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ୍ କୁହ, ସୌଜନ୍ୟ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି? ଏଗାର ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି ସୌଜନ୍ୟ ପାଇଁ? କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି? ଏଗାର ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ତୁମର ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ, କେଉଁଠି ଠିକ୍ ଅଛି? ସୁଷୁପ୍ତି, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ। ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟଟି ଲେଖ, ବାଛ ବାଛ ବାଛ, ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟଟି ଆ ଭିତରୁ ବାଛ। କ'ଣ ହେବ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟଟି ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ? ତେର ନମ୍ବର ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ହେଲା। ଉର୍ଦ୍ଧ ଉର୍ଦ୍ଧ, ଏହାର ଯଦି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା କ'ଣ ହେବ? ଚଉଦ ନମ୍ବର ଏଇଟା ଭୂର୍ଦ୍ଧ ବୋଧେ, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ, ଏଇଟା ଭୂ ବୋଧେ, ଭ ନା ଏଇଟା ଲିପୁ, ଏଇଟା ଭ ନୁହେଁ କିରେ? ଦଶ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଦଶ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଭୁଲ ଅଛି କିରେ? ତାତି ଯାଏ ଓ ସହଜରେ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଏ, ହଁ ଏଇଟା ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାତି ଯାଏ ଓ ସହଜରେ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଏ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ରହିଛିରେ, ଯୌଗିକ ହେବ ନା? ଯୌଗିକ ହେବ ଏଇଟା, ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍, ଯୌଗିକ ହେବ, ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍, ଯୌଗିକ ହେବ ଏଇଟା, ଯୌଗିକ ହେବ, ସରି ସରି, ଏଇଟା ଦେଖିବ ଯଦି ଟିକିଏ ସାରସ୍ୱତ ବ୍ୟାକରଣ, ତଥାପି ସେ ଯେହେତୁ କରିକି ଦେଇଛି ତଥାପି ଟିକିଏ ସାରସ୍ୱତ ବ୍ୟାକରଣ ଦେଖିବ, ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ୍ ପନ୍ଦର ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମନୋହ ବାଞ୍ଛା କ'ଣ ହେବ? ମନୋହ ଯୁକ୍ତ ବାଞ୍ଛା, ତ ଏଇଟାର କ'ଣ ହେବ ତୁମର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ? ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ମନୋହ ଯୁକ୍ତ ବାଞ୍ଛା,
संधि विच्छेद कले कौन हम 15 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी हम मनोवांछा। नेक्स्ट सुदर्शन पट्टनायक बाली द्वारा सुंदर मूर्ति गढ़ी चंती पचार तुमर केम कारक 16 नंबर कौन बड़ा करण कारक हम द्वारा अच्छी। नेक्स्ट प्रेम बाबू सॉरी प्रेमानंद बाबू इंग्राजी विशारद ये विषय रही तेणु कौन हम विषा अधिकरण है। नेक्स्ट अनन्या संगीतर प्रथम है कौ विभक्ति पचार संगीतरे संगीतरे प्रथम है क्यों विभक्ति से पचार कौ विभक्ति हम 18 नंबर सप्तमी। चलो विषय तापर हूँ तुम विदेश आगत विदेशागत कौ समास रु अच्छी 19 नंबर कौन हम तत्पुरुष समास रु अकाल कुष्मांड ए रूढ़ीर अर्थ कौन अकाल कुष्मांड ए रूढ़ीर अर्थ कौन 20 नंबर क्वेश्चन नित्यांत अजोग्य अति विश्वास अति विश्वासी अर्थ रे के रूढ़ी व्यवहार कराए अति विश्वासी अर्थ रे के रूढ़ी व्यवहार कराए 21 नंबर देह लगा जोटा कि तुम्हें पढ़ी थो गोटे थी जो मधुबाबू जो कौ क्लास गोटे थी ना जो सुदाम जो सब शुणर पूरा विश्वस्त थी नुह कि सब से कितना देखला बेलू बुढ़ा हेणु बुलिक आईला बेलू ये सब क्षीर बिकी थो कौ क्लास गोटे थी मन पड़ूनी आ कह जारा बोला भय कल मुकु मुकु कलंक कल उधरिल सरी यह कह यह पचार क्यों छंदर अच्छी हजिला दिन कथा राइट मन पड़ा हजिला दिन कथा 22 नंबर क्वेश्चन सी दांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन निजे तीर्थेश्वर सर्वतीर्थमय यहाँ कौ अलंकार अच्छी शुण युवाक तुम्हें आईदर तुम जो रही तुम तुम अक्षर को लेकिन चिन्ह पार कि जो पद लगे चिन्ह पार नचे मुगुड़ाक तुमको कहीदे यार सटिक हो तुम्हें जिते प्रकार क्वेश्चन सब पाऊ तार फास्ट वार्ड गुड़ाक तुम टे मैच कर दिव बुझेगा ठीक अच्छे तो कौन हम 23 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम यहाँ अनुप्रास भितर जी चलो 24 नंबर माता भाता सरी माता स्त्री भ्राता स्त्री एक पदर कले कौन हम 24 नंबर ब्लड रिलेसन ना कौन ओडियार ब्लड रिलेसन ना कौन माता भ्राता स्त्री केते यूट्यूबर ये CST परीक्षा केते यूट्यूबर सब जन्म ना जी पारे सी गोटे गोटे चैनल खोलगला बुझिपार आसीगला कोर्ट नोटिस आसीगला आज आसूची बुझिपार से समय छुआ को जब पढ़ाते सत कथा कहूँ मो विद्याराण पक कौ मो राण पक कौ छुआटा कितना किसी किसी गोटे टीचर जदि पढ़ाता मैंने किसी कंटेन्ट तो पाता कि तो कंटेन्ट 5% तो कंटेन्ट पाता मुझे देखु गोटे लाइव रे मैंने विश्वास कर CST रिलेटेड ये जो फेक नोट भाइराल हो लाइव रे जे सार नुआ चेल गोटे है बुझे कि ना मैंने किए तार किए भाषा लिखिदे तो कौन बेटा मतुली हम करेक्ट आंसर सी हम करेक्ट आंसर एवं मुझे देखुनि किए गोटे तार भाषा लिखी पूरा टोटाल भाषा बुड़ी खड़ुरा व्याख्याटी कौन हम 5% तो किसी ना साइंस पिलाटा बर्तमान मैंने ये कर मैंने सैंस पिला कंटेन्ट मिलूनी मैंने मुझे गोटे सजेस्ट करुच्छे छुआ सैंस पिला कंटेन्ट गुटा भल भल कंटेन्ट भल भल टीचर को रखिक तो दे पार बर पिला पैसा दिखते मैंने तुम्हें किसी तो प्रोवाइड कर पार
ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତା। ତ କ'ଣ ବେଟା, ଏଇଟା ମାତୁଳାନି ହବ ନା? 24 ନମ୍ବରଟା ଦେଖନି ଭାଇ, 24 ନମ୍ବରଟା ଡି ହବ ଏବେ, ମାତୁଳାନି 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 ହବ, ମାତୁଳାନି ହେଲା। ଚାଲ ଖଡ଼ୁରା, ଏଇଟା କ'ଣ ହବ? 25 ନମ୍ବର ସି ହବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଖଡ଼ୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯାହାର ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କଟୁଛି, ତୁମର କାହ୍ନା ସାର୍ ନେଇକି ଆସିବେ, ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତୁମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଲିଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେଉଁମାନେ ପେଡ଼ବେଚ୍ରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, 29ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ରେକର୍ଡ଼େଡ଼୍ ପ୍ଲସ୍ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍। କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ 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 କୋର୍ସ ରହିବ ଆମର, 8917270933 ଏଇ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିକି ନିଜର ନେମ୍ ଲେଖିଦେବ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବାଟା ହେଉଛି ଫ୍ରି, ବୁଝିଲା? ନିଜର ନେମ୍ ନ ଲେଖିଲେ ଆମେ ଜଏନ୍ କରେଇବୁନୁ, ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ? ବୁଝିହେଉଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କଟୁଛି, କାରଣ ସାର୍ ତୁମର ନେଇକି ଆସିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେୟାର କରିଦିଅ ଫଟାଫଟ। ତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଦେଶ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଗଲେ, ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଜିଏସ୍ର ପାର୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଲିଟି ଇକୋନମିକ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଫଟାଫଟ ସେୟାର କରିଦିଅ, ଡେରି ନ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ପଲିଟିର ରହିଛି। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏହା ଅଛି, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ରୟାଲ ଡକ୍ଟର ବା ରାଜ ବିଧାନ ବିଧାୟ ରାଜ ବୈଦ୍ୟ ଇନ୍ ଦ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ କନିଷ୍କ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି କନିଷ୍କଙ୍କ କୋର୍ଟରେ କିଏ ରୟାଲ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ବା ରାଜ ବୈଦ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଆଗରୁ ପୁରୁଣା କାଳରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ବୈଦ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ, ରାଜ ବୈଦ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ କନିଷ୍କଙ୍କ କୋର୍ଟରେ? ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର କର। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏକ କହିଛି ସୁରୁସ୍ତ୍ର, ଚରକା, ବାହାରମିରିଆ, ପତଞ୍ଜଳି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? 51 ନମ୍ବର। ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର କର, କନିଷ୍କ କୋର୍ଟକର ରୟାଲ ଡକ୍ଟର ବା ରାଜ ବୈଦ୍ୟ କିଏ? ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର କର, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର କର। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଚରକା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଚରକା ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ମନେ ରଖିବ, କନିଷ୍କଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଯିଏ ରୟାଲ ଡକ୍ଟର ବା ରାଜ ବୈଦ୍ୟ ଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚରକା। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଲିଡର ଅଫ୍ ବୋଲଶେଭିକ୍ ପାର୍ଟି ଇନ୍ ରଷିଆନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍? ୱାର୍ଲଡ ହିଷ୍ଟ୍ରିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରଷିଆନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ର ବୋଲଶେଭିକ୍ ପାର୍ଟିର ଲିଡର କିଏ? ରଷିଆନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ର ବୋଲଶେଭିକ୍ ପାର୍ଟିର ଲିଡର କିଏ ଥିଲେ? ଷ୍ଟାଲିନ୍, ଟ୍ରଟ୍ସ୍କାୟ, ଲେନିନ୍, କେରେନ୍ସ୍କାୟ। ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର କର, 52 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? 52 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କିଏ କରିପାରିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର କର। ଫଟାଫଟ ସେୟାର କରିଦିଅ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କର, ରୁଷିଆନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲଶେଭିକ୍ ପାର୍ଟିର ଲିଡର କିଏ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, ଲେନିନ୍ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କିଏ ଥିଲେ ଲିଡର? ଲେନିନ୍। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁଲାକେଶିନ୍ ଟୁ ପୋଜ୍ରେ ଗ୍ରେଟ୍ ଥ୍ରେଟ୍ ଟୁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ନିୟର୍ ଦ ନିର୍ମର ରିୟର୍ ଦ ନିୟର୍ ଦ ରିଭର ନର୍ମଦା ହୁଇଚ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଡଚ୍ ପୁଲାକେଶିନ୍ ଟୁ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ? ତ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି 53 ନମ୍ବର, ପୁଲାକେଶିନ୍ ଟୁ ଜଣେ ଗ୍ରେଟ୍ ଥ୍ରେଟ୍ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମଦା ରିଭର ପାଖରେ ଥିଲା। ତ ହୁଇଚ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଡଚ୍ ପୁଲାକେଶିନ୍ ଟୁ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ? ପୁଲାକେଶିନ୍ ଟୁ କେଉଁ ଡାଇନେଷ୍ଟିରେ ଅଟନ୍ତି? ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର କର, ପୁଲାକେଶିନ୍ ଟୁ କେଉଁ ଡାଇନେଷ୍ଟିରେ ଅଟନ୍ତି? ମୈତ୍ରକାଶ, ଗୁର୍ଜାରସ, ମାଲୱାସ, ଚାଲୁକ୍ୟସ। 53 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ? ପୁଲାକେଶିନ୍ ଟୁ ପୁଜ୍ରେ ଗ୍ରେଟ୍ ଥ୍ରେଟ୍ ଟୁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ନିୟର୍ ଦ ରିଭର ନର୍ମଦା। ତ ପୁଲାକେଶିନ୍ ଟୁ କେଉଁ ଡାଇନେଷ୍ଟିରେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏହା ପଚାରିଛି। 53 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଫଟାଫଟ ସେୟାର କର, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କର, ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର କର।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी संगे जीव चालुक्य। करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर। पोलेक्शन टू आपंकर चालुक्य डायनेस्टी बिलंग्स करती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन हू कॉइन्ड द नेम सेफ्टी वाल्व फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस पाई सेफ्टी वाल्व गोटे वार्ड यूज करा दैथिला तो से वार्ड टाक किए कॉइन करथिले फटाफट आंसर कर। हू कॉइन्ड द नेम बा गोटे नेम इंट्रोड्यूस करा दैथिला फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय जातीय कांग्रेस पाई सेफ्टी वाल्व गोटे वार्ड इंट्रोड्यूस करा दैथिला तो से वार्ड टाक किए कॉइन करथिले बा से नेम टाक किए कॉइन करथिले। करेक्ट आंसर कौन हम एव ह्यूम स्वामी विवेकानंद लाला लजपत राय आनी बेसंत। करेक्ट आंसर कौन हम 54 नंबर फटाफट आंसर कर। फटाफट आंसर कर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी संगर जीव लाला लजपत राय। लाला लजपत राय करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर सी संगर जीव ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर लाला लजपत राय बुझेगा। जो आईएनसी रही तो आईएनसी रे एस्टाब्लीश किए करते एव ह्यूम तो ये 1885 रे आईएनसी रे एस्टाब्लीश मन रखियो। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेयर वाज पिकॉक थ्रोन हाउस। पिकॉक थ्रोन हाउस या भितर कौटा अटे व्हेयर वाज पिकॉक थ्रोन हाउस दीवान ई खास दीवान आई एम जामा मस्जिद ताजमहल। फटाफट आंसर कर 55 नंबर क्वेश्चन। करेक्ट आंसर कौन हम 55 नंबर करेक्ट आंसर व्हेयर वाज पिकॉक थ्रोन हाउस। पिकॉक थ्रोन हाउस एम भितर कौटा करेक्ट आंसर कौन हम फटाफट आंसर कर। व्हेयर वाज पिकॉक थ्रोन हाउस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए संगर जीव दीवानी खास। दीवानी आई खास होउछि आपनकर पिकॉक थ्रोन हाउस मन रखियो। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन व्हेयर द फॉलोइंग व्हेयर द बेनिफिशियल वर्क ऑफ फिरोज तुगलक। तो ये देसी या भितर कौटा फिरोज तुगलक बेनिफिशियल वर्क थिला बुझी होउछि। फिरोज तुगलक बेनिफिशियल वर्क या भितर कौटा ऑप्शन नंबर ए दीवान ई खैरत ऑप्शन नंबर बी दारुल सफा ऑप्शन नंबर सी रेस्नोइंग ऑफ द मार्केट या भितर कौटा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ओनली ए एंड बी ऑप्शन नंबर बी ओनली बी एंड सी ऑप्शन नंबर सी ओनली ए एंड सी ऑप्शन नंबर डी ए बी सी। फिरोज तुगलक बेनिफिशियल वर्क कौटा या भितर पचार 56 नंबर क्वेश्चन। करेक्ट आंसर कौन हम फटाफट आंसर कर। करेक्ट आंसर कौन हम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिशियल वर्क ऑफ फिरोज तुगलक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए भी हम दीवानी खैरत ऑप्शन नंबर बी भी हम दारुल सफा तो केवल ओनली ए एंड बी ऑप्शन नंबर ए संगे जीव करेक्ट आंसर बुझीगला। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिशियल वर्क ऑफ फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक बेनिफिशियल वर्क कौटा दीवानी खैरत आउट हूँ दारुल सफा। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन व्हेयर आर द फेमस कैप्स ए ग्रुप ऑफ 15 कैप्स नोन एज खंडगिरी कैप सिचुएटेड। जोटा कि आपणकर 15 कैप्स मिसिकी गोटे फेमस कैप तैयारी करा दैथिला जहार ना थिला कौन खंडगिरी कैप्स जहार ना कौन थिला खंडगिरी कैप्स तो से खंडगिरी कैप्स आपणकर केउं जगार अछि पचारी फटाफट आंसर कर। 57 नंबर क्वेश्चन लोनवाला भुवनेश्वर चेरापुंजी विजयवाड़ा। करेक्ट आंसर कौन हम 57 नंबर फटाफट आंसर कर वीडियो को शेयर कर दि। व्हेयर आर द फेमस कैप्स ए ग्रुप ऑफ 15 कैप्स नोन एज खंडगिरी कैप्स।
ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିପାରିବ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଯେଉଁଥିରେ କି 15 କ୍ୟାପ୍ସରେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ଗୋଟିଏ କ୍ୟାପ୍ସ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କମ୍ୟୁନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଟେକିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଏଠି କହିଛି ୟା ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଡ଼ରରେ ସଜେଇବା ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅପସନ୍ର ଦେଇଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିରେ ଅଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ଅଛି ଅଗଷ୍ଟ ଅପସର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡିରେ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଡେ। ୟା ଭିତରୁ ଆମକୁ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଡ଼ରରେ ସଜେଇବାର ଅଛି। ଯେଉଁଭଳିଆ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଏଇଭଳିଆ ଦିଆଯାଇଛି ଏ ବି ସି ଡି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିରେ ଦିଆଯାଇଛି ବି ସି ଡି ଏ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ସି ବି ଡି ଏ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡିରେ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ଏ ସି ଡି ବି ଏ ସି ଡି ବି। ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଡ଼ରରେ ସଜାଯାଇଛି? ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର୍ କର। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଚାରିଟା ଅପସନ୍କୁ ଦେଖିକି କରିବ। ଏଠି ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଏ ବି ସି ଡି ଆକାରରେ, ଯେଉଁଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିରେ ଅଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ଅଛି ଅଗଷ୍ଟ ଅପସର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡିରେ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଡେ। ୟା ଭିତରୁ ଆମକୁ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଡ଼ରରେ ସଜେଇବାର ଅଛି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର୍ କର। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ନମ୍ବର କେଉଁଟା ଆସିଥିଲା? ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର, ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର୍ଟା ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା, ନୁହେଁ କି? ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ କିଏ ଆସିଥିଲା? କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ। ତାପରେ କିଏ ଆସିଥିଲା? ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଦେଇ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ତିନି ନମ୍ବରରେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଆଟଲି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଚାରି ନମ୍ବର। କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଖିଲେ ତ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଟା ଆସିଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପ୍ରଥମେ ସି ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର, ତାପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ବି, ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଡେ, ତାପରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍। ସି ବି ଡି ଏ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ବୁଝିହେଲା? ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 59 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 59 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଅପସନ୍ ଇଜ୍ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲି କରେକ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ ଦ ଆନେକ୍ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ଟେଟ୍ ବାଏ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି ଥ୍ରୋଇଂ ହିଜ୍ ପଲିସି ଅଫ୍ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲେପ୍ସ। ତ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପଲିସି ଆସିଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲେପ୍ସ। ସେ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲେପ୍ସ ଅନୁସାରେ ତ କରେକ୍ଟ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଡ଼ର ଆମକୁ ସଜେଇବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କରାଯାଇଥିଲା, ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଅଛି ସାତରା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିରେ ଅଛି ନାଗପୁର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡିରେ ଅଛି ଝାନ୍ସି। ତ ଏଠି ଚାରିଟା ଯାକ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତାକୁ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଡ଼ରରେ ସଜେଇବାର ଅଛି। 59 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ରିଡିଂ କରୁଛି। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଅପସନ୍ ଇଜ୍ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲି କରେକ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ ଦ ଆନେକ୍ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଆନେକ୍ସେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା? ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଲିସି ଥିଲା, ଯେଉଁ ପଲିସିର ନାଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲେପ୍ସ। ତ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଡ଼ରରେ ସଜେଇବାର ଅଛି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? 59 ନମ୍ବର, 59 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର୍ କର। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ସାତରା ଆସିଯିବ, ସାତରା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଏକ ନମ୍ବର ଆସିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ କେଉଁଟା? ସମ୍ବଲପୁର ଆସିବ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ, ସମ୍ବଲପୁର। ତିନି ନମ୍ବରରେ ଆସିଯିବ ଝାନ୍ସି। ଚାରି ନମ୍ବର ଆସିଯିବ ନାଗପୁର, ଯେଉଁଟାକି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ଏ ସି ଡି ବି, ଏ ସି ଡି ବି, ବୁଝିହେଲା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଆନେକ୍ସ ସିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା, ତ ତାକୁ କିଏ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସ୍ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ପଲିସି ଆସିଥିଲା, ସେ ପଲିସିର ନାଁ କ'ଣ? ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲେପ୍ସ। ତ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲେପ୍ସ ପଲିସିରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଆନେକ୍ସ ସିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ। ତ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଦେଖିଲେ ଏକ ନମ୍ବରରେ କିଏ ଆସିବ? ସତରା। ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ କିଏ ଆସିବ? ସମ୍ବଲପୁର। ତିନି ନମ୍ବରରେ କିଏ ଆସିବ? ଝାନ୍ସି।
चारि नंबर के आसिबो नागपुर ऑप्शन नंबर बी होउछि बेस्ट ऑप्शन बा करेक्ट ऑप्शन बोली कहि परिबा ए क्वेश्चन में जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट शेयर कर दे 60 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ दी सिटीज वी आर बम्बार्डेड बाय अमेरिका इन सेकेंड वर्ल्ड वार तो या भितरु पचारिछि चारिटा जक सिटी रो ना देछि ऑप्शन ले एमानक भितरु केउ सिटी गुड करे अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वार रे बम पकेला करेक्ट आंसर कौन हम 60 नंबर क्वेश्चन फटाफट आंसर कर व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग सिटीज वे आर बम्बार्डेड बाय अमेरिका इन द सेकेंड वर्ल्ड वार समय रे बा द्वितीय विश्वयुद्ध समय रे अमेरिका एमानक भितरु केउं सिटी गुड़ी करे बम पकेला करेक्ट आंसर कौन हम जेपर कि आपण देखि पारथु ऑप्शन नंबर ए रे देछि हिरोशिमा नागासाकी ऑप्शन नंबर बी रे बेजिंग एंड संघाई ऑप्शन नंबर सी रे ताइपे सिटी एंड किलोंग ऑप्शन नंबर डी रे न्यूयॉर्क एंड चिकागो करेक्ट आंसर कौन हम फटाफट आंसर कर 60 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए संगे जीव हिरोशिमा नागासाकी तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हम हिरोशिमा नागासाकी रे आपणकर सेकेंड वर्ल्ड वार समय रे कौन पड़ा अमेरिका बम पकेला हिरोशिमा नागासाकी बुझीगला तो ये मन रखा सेकेंड वर्ल्ड वार केबे हितला कमेंट सेक्शन में कमेंट करी कह एवं ता सहित मैं पढ़ाई हिरोशिमा नागासाकी केबे बम पड़ा ये दुटा डेट कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करी कह जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाय द इनकरेक्ट ऑप्शन विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो ये पचार आर्टिकल 19 जो रही आर्टिकल 19 कौन आपणकर मेनसन थिला आर्टिकल 19 कौन कहे फटाफट आंसर कर करेक्ट आंसर कौन हम आर्टिकल 19 आइडेंटिफाय द करेक्ट ऑप्शन विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 61 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम फटाफट आंसर कर करेक्ट आंसर कौन हम आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 19 आर्टिकल 19 कौन कहवापी चाहूँ तो ऑप्शन नंबर एक अच्छी राइट टू असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स राइट टू मूव फ्रीली एंड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी इन पार्ट ऑफ इंडिया राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस सबुठारु सुइटेबल आंसर ऑप्शन नंबर सी संगे जीव राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इन पार्ट ऑफ इंडिया बुझीगला ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर जो थे कि ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 19 तो बाकी गुड़ाक तुम फ्रीडम राइट रे आसी जाउची राइट टू फ्रीडम रे आसी जाउची हला राइट टू असेंबली पीसफुल विथ आर्म्स एंड राइट टू मूव फ्रीली चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ए पर्सन शुड हैव सर्वड ए मिनिमम हाउ मेनी इयर्स एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट जदि जन को सुप्रीम कोर्ट रे जज हिसाब रे निजुक्ति दिया जिवो सेई व्यक्ति जनक जो व्यक्ति जनक निजुक्ति दिया जिवो सेई व्यक्ति जनकर हाई कोर्ट रे मिनिमम केते दिन धरिकी काम करिथिबे क्वेश्चन या पचारि जदि जन को सुप्रीम कोर्ट रे निजुक्ति दिया जिवो तो जो व्यक्ति को निजुक्ति दिया जिवो सेई व्यक्ति जनक हाई कोर्ट रे तांकर मिनिमम केते दिन काम करथिबे 2 इयर 5 इयर 3 इयर 10 इयर्स 62 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम फटाफट आंसर कर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट ए पर्सन शुड बी मिनिमम हाउ मेनी इयर्स एज ए जज ऑफ ए हाईकोर्ट हाईकोर्टर जज हिसाब से मिनिमम केत वर्ष होगा दरकार 2 इयर 5 इयर 3 इयर 10 इयर करेक्ट आंसर 62 नंबर ऑप्शन नंबर बी संगे जीव तांकर 5 वर्षर अभिज्ञता रही दरकार को हिसाब से हाईकोर्टर जज हिसाब से अभिज्ञता रही दरकार जेहेतु से सुप्रीम कोर्ट रे जड़े जज हिसाब से निजुक्ति हे तो जो व्यक्ति जन को निजुक्ति व्यक्ति जनकर कार्यकाल मिनिमम एक्सपीरियंस 5 वर्ष हो क्योंकि हाईकोर्ट रे चलो परवर्ती प्रश्न 63 नंबर
ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଡିଡ୍ ଦ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଆଡ଼ପ୍ଟ ଦ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି, କେଉଁ ବର୍ଷ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ସର୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି UNGA, ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ମନେ ରଖିବ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଜେନେରାଲ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିଥିଲା କ'ଣ? ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି UDHR, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ। ତ କେଉଁ ବର୍ଷ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି UNGA ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିଥିଲା ବା ଉଦ୍ଧାର ଆଣିଥିଲା UDHR, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ, କେଉଁ ବର୍ଷ? ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର କର। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ 1948, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବିରେ 1952, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ 1956, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡିରେ 1945। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? 63 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର କର। କେଉଁ ବର୍ଷ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିଥିଲା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ସର୍ଟଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି UDHR? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର କର। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେୟାର କରିଦିଅ ଫଟାଫଟ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି 1948। କେବେ? 1948ରେ ତୁମର ଏଇଟା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି UNGA ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିଥିଲା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସକୁ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଜ୍ ପର୍ ଦି କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ, ଇନ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଦ ମିନିମମ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଅଫ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍? ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ସେଦିନ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ, ସେଦିନ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି। ତ ଡିଫରେନ୍ସ କହିଥିଲି ତୁମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ବିଧାନସଭା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଧାନ ପରିଷଦ ଭିତରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି। ତୁମର ସେ ପଚାରିଛି, ତ ଗୋଟେ ବିଧାନସଭା କଥା ଏଠି କହିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି, ହେଲା, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍, ହଁ ମିନିମମ୍, ହଁ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି କଥା କହିଛି, ବିଧାନସଭା କଥା କହିଛି। ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ କେତେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ କେତେ? ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର କର। ଏକ୍ସ ଏଜ୍ କହିଦେଲି, ସରି, ମିନିମମ୍ ମେମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମେମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଗୋଟେ ବିଧାନସଭାରେ ମିନିମମ୍ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିପାରିବେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିପାରିବେ? 64 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? 50, 450, 50, 500, 60, 500, 40, and 450। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର କର, ସେୟାର କର। ମିନିମମ୍ କେତେ ଜଣ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ଜଣ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 64 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ମିନିମମ୍ ତୁମର 60 ଜଣ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତୁମର 500 ଜଣ, ବୁଝିହେଲା? ଗୋଟେ ବିଧାନସଭାର ମିନିମମ୍ 60 ଜଣ ମେମ୍ବର, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ଜଣ? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 500 ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିପାରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଁ କହିରଖେ, ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ, ବିଧାନ ପରିଷଦରେ ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 6 ବର୍ଷ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଧାନ ପରିଷଦର ମିନିମମ୍ ମେମ୍ବର କଥା ପଚାରେ, ବିଧାନ ପରିଷଦର ମିନିମମ୍ ମେମ୍ବର ହେଉଛନ୍ତି ବିଧାନ ପରିଷଦର 40 ଜଣ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମେମ୍ବର ସେ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭାର ଯେତିକି ସିଟ୍ ଥିବ ସେ ସିଟ୍ର 1/3 ହେଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମେମ୍ବର, ବୁଝିହେଲା? ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଆମେ ବିଧାନ ପରିଷଦ କଥା କହିବା, ସେ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭାର ସିଟ୍କୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ, ବିଧାନସଭାର ସିଟ୍ ଯେତିକି ଥିବ ତା'ର 1/3 ହେଉଛି କାହାର, ବିଧାନ ପରିଷଦର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସିଟ୍, ଏବଂ ମିନିମମ୍ ସିଟ୍ ହେଉଛି 40, ବୁଝିହେଲା? ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଯେଉଁଭଳିଆ ବିଧାନସଭା ରହିଛି, ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିକର ଆଉ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ରହିଛନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ବିଧାନ ପରିଷଦରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବେ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରପର୍ସନ୍, ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରପର୍ସନ୍। ଏବଂ ବିଧାନ ପରିଷଦରେ ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବର ରହିବେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 6 ବର୍ଷ, ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବର ରହିବେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଧାନସଭାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି, UPରେ ଅଛି, ଏବଂ ମିନିମମ୍ ବିଧାନସଭା ଷ୍ଟେଟ୍ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି, ମିଜୋରାମରେ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା? ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଡିଫରେନ୍ସ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସ।
मन रखिब एवं प्रत्येक दुई वर्षर थरे वन बाय थर्ड मेंबर रिटायर्ड हूँ कौटू विधान परिषद रु। चल नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 64 सरीगला 65 नंबर को जीवा हु कटेड दिज लाइन्स वी शुड रिपे द फेवर्स अफ दि अदर बाय आक्ट अफ काइंडनेस सो ऑल शुड वी रिटर्न इविल फॉर इविल इन हुईज देयर इज नो सीन फॉर इट इज नेसेसरी टू पे विड मैन इन हिज ओन कॉइन। ए लाइनटा को कोटेड लाइनटा को किए कही हु कोटेड दिज लाइन्स वी शुड रिपे द फेवर्स ए लाइनटा तुम देखिपार इनभर्टेड कमा भितर अच्छी 65 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम आउ थे क्वेश्चन को रिडिंग करुच्ची हु कोटेड दिज लाइन्स वी शुड रिपे द फेवर्स अफ अदर बाय आक्ट अफ काइंडनेस सु अल्सो शुड वी रिटर्न इविल फॉर इविल इन हुईज देयर इज नो रेन फॉर इट इज नेसेसरी टू पे विथ मैन इन हिज ओन कॉइन करेक्ट आंसर कौन हम 65 नंबर क्वेश्चन फटाफट आंसर कर शेयर कर दियो फटाफट करेक्ट आंसर कौन हम 65 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम फटाफट आंसर कर करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए संगे जीव कौटल्य हो करेक्ट आंसर मन रख ये जो कोटेड लाइन्स टा को किए कही कौटल्य कही जीवा परवर्ती प्रश्न फटाफट सेयार कर नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर जियोग्राफी सेक्शन आसीज तो ये थी हिस्ट्री आउ पॉलिटी आम क्वेश्चन डिस्कसन कले नेक्स्ट आम जियोग्राफी डिस्कसन करवा व्हाट इज कॉल्ड व्वेन रेनफॉल कज ड्यू टू द प्रेजेन्स अफ दि माउंटेनेस इन द वे अफ विंडस तो सहीटा को कौन कह जाए तो जितेबाला रेनफॉल हुए तहार कारण या हुए जे कज्ड ड्यू टू प्रेजेन्स अफ माउंटेनेस इन द वे अफ विंडस जितेबाला पवन सहित पहाड़ धक्का हुए जी आम कहीपर ड्यू टू द प्रेजेन्स अफ दि माउंटेन इन द वे अफ विंडस तो जो बाटर पवन आसे से बाटर माउंटेन्स थाए तो से सब क्षेत्र में गोटे वर्षा होता है तो से वर्षाटा को कौन कह साइक्लोन रेन एडवेक्शनल रेन कन्वेंशनल रेन ओरोग्राफिक रेन 66 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम फटाफट आंसर कर व्हाट इज कॉल्ड मन कर यहाँ रही माउंटेन तो यहीपटे पवन आसूँ तो यही जो प्रेजेन्स रहा माउंटेन प्रेजेन्स रहा पवन रास्त तो से गोटे रेनफल हुए से रेनफलटा को किए रेनफल बोली कह फटाफट आंसर कर 66 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन साइक्लोन रेन एडवेक्शनल रेन कन्वेंशनल रेन ओरोग्राफिक रेन शेयर कर दियो फटाफट करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी संगे जीव ओरोग्राफिक रेन बोली कहा जाए ओरेन कहा जाए ओरोग्राफिक रेन बोली कहा जाए जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज नोन एज व्हेन टाइड प्रोड्यूसिंग फोर्सेस ऑफ द सन एंड मून एक्ट इन स्ट्रेट लाइन एंड कंप्लीटिंग ईच अदर तो करेक्ट आंसर कौन हम व्हाट इज नोन एज व्हेन टाइड प्रोड्यूसिंग फोर्सेस ऑफ द सन एंड मून एक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन कंप्लीटिंग ईच अदर तो जितेबले आम कौन कह जितेबले टाइड गोटे जुआर जो गोटे फोर्स एप्लाय कर जो थे कि सन आ मून गोटे स्ट्रेट लाइन में रही है कंप्लीट कम्प्लीमेंटिंग टू इच अदर तो करेक्ट आंसर कौन हम 67 नंबर नॉर्मल टाइड्स बोली कह टाइडल बोन्स बोली कह स्प्रिंग टाइड्स बोली कह निप टाइड्स बोली कह 67 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम फटाफट आंसर कर व्हाट इज नोन एज व्वेन टाइड प्रड्यूसींग फोर्सेस अफ दि सन एंड मून आर स्ट्रेट लाइन कम्प्लीमेंटिंग टू इच अदर 67 नंबर करेक्ट आंसर फटाफट सेयार कर करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी संगे जीव स्प्रिंग टाइड्स हम करेक्ट आंसर कौन हम स्प्रिंग टाइड्स हम ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर कौन हम स्प्रिंग टाइड्स जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी एक्सपीरियंसेस रेनफॉल ड्यूरिंग नवंबर डिसेंबर दैट इज रिट्रीटिंग मौसम तो क्वेश्चन पचारि या भितर क्यों सिटी रे रेनफॉल रो एक्सपीरियंस भल थाए तो क्यों समय नवंबर आ डिसेंबर समय जोटा कि आम रिट्रीटिंग मौसम बोली कहते बुझीगला तो ये पचारि क्यों सिटी रे आपणकर रेनफॉल रो एक्सपीरियंस भल रही है बुझी कि नहीं
तो नवेम्बर डिसेम्बर में जोटा कि रिट्रेटिंग मनसून बोली कहते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम फटाफट आंसर कर। मुंबई बेंगलोर चेन्नई कोची करेक्ट आंसर कौन हम। फटाफट आंसर कर। 68 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी संगे जीव चेन्नई हम करेक्ट आंसर बुझेगा। तो नवंबर डिसेंबर बा जोटा कि रिट्रेटिंग मनसून बोली कहते तो रिट्रेटिंग मनसून समय तुम चेन्नई में अधिक परिमाण वर्षा होता है रेनफॉल एक्सपीरियंसेस भल रही है। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द सीजन एंड बेस्ड ऑन द सिचुएशन। तो आमको ये दुईट स्टेटमेंट दुईट तीनो स्टेटमेंट आमको दे स्टेटमेंट अनुसार आमको सीजन को आइडेंटिफाई करार अच्छी ये हूँ क्यों प्रकार ऋतु। चलो डेरी नक गोटे गोटे स्टेटमेंट को आम पढ़ा। द स्नोई रिज सीजन इज फिनिश्ड एंड द इवनिंग आर लाइट अगेन। आई डू नॉट लाइक द डार्क इवनिंग अंधार रात माने से कही स्नोई सीजन सरवा पर संध्या समय पुणी लाइट माने आलोक फेरी आसे बुझेगा। तो आई डू नॉट लाइक द डार्क इवनिंग से समय अंधार रात आसे ना। आई लव द फ्लावर्स इन द पार्कस एंड गार्डेन एंड सींग द लिवस ग्रो ऑन द ट्रीज। तो से फ्लावर गुड़ाक पार्क आ गार्डेन से समय से भल पाती भल फुटे कहींपर एवं ता सहित एंड सींग द लिवस ग्रो ऑन द ट्री गछर पत्र गुड़िको भल बढ़ती से जो ऋतुटी को कि ऋतु कह स्प्रिंग समर मनसून ऑटमन। 69 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन बुझेगा। अंधार रे रुए ना लाइटनिंग पलि आसे प्रथम पॉइंट। सेकंड पॉइंट तुमर स्नोई सीजन माने जो बरफ सीजन टा गला पर बरफ मैं बरफ मैंने बुझीपार तो शीत ऋतु गला पर से ऋतु आसे बुझेगा। एवं ता सहित फूल गार्डेन आ पार्क रे भल फुटे एवं ता सहित गछर पत्र गुड़िक भल ग्रो कर। तो निश्चित भाव आम कहीपर ओडिया ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत बसंत शीत परे क्यों ऋतु आमर आस जाए बसंत ऋतु। तो निश्चित भाव तार इंग्लीश टर्म कौन हम स्प्रिंग हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर बुझेगा। तो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन व्हिच स्टेट हैज फेसिंग लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर इरिगेशन इन इंडिया कौन हम करेक्ट आंसर फटाफट आंसर कर। व्हिच स्टेट हैज फेसिंग लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर इरिगेशन इन इंडिया। भारतर ओवर इरिगेशन कारण तुमर लैंड डिग्रेडेशन देखा जाए या भितर कौ स्टेट ताको फेसिंग करे बा सामना करे। 70 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम फटाफट आंसर कर। 70 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी संगे जीव पंजाब हो करेक्ट आंसर। तो कौन हो पंजाब बुझेगा। तो लैंड डिग्रेडेशन फेसिंग ओवर इरिगेशन द्वारा किए पश्चाताप करता है पंजाब स्टेट हो करेक्ट आंसर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन व्हेन एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड से ओवर 10 इयर्स मोर आर कैरेक्टराइज्ड ऑन मैप नोन एज डैश। तो यदि हमें वेदर कंडीशन को देखिबा बहुत समय धरी लॉन्ग पीरियड पर्यंत तार एवरेज देखिबा हाराहारी देखिबा तो गोटे मैप रे तो पाखापाखि 10 वर्ष रु अधिक देखिबा तार कैरेक्टर को को मैप रे ता जो कैरेक्टर जो मैप रही से मैपटा को वेदर जो कैरेक्टर मैप रही से कौन कह वेदर मैप कह ना क्लाइमेट बोली कह ना मेट्रोलोजी मैप कह ना फिजिकल मैप कह। 71 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम फटाफट आंसर को। व्हेन द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड क्वेश्चन को बड़ा बुले कि पकेचे टिके लक्ष्य कर। जदि आमे कोनोसी वेदर कंडीशन को लॉन्ग पीरियड पर्यंत नबा पाखा पाखी 10 इयर रु अधिक नबा बुझि बुझि कि नहीं तो से समय जो मैप तैयारी गुटे हम से मैपटा को आम की मैप बोली कह फटाफट आंसर कर। 71 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम 71 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हो फटाफट आंसर कर।
କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି କହିବା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବୋଲି କହିବା। ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଏରିଆର ୱେଦର ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ତ ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ମ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ ବୋଲି କହିବା। କୋଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଟା ବୁଲେଇଛି ଦେଖିଥିଲ ତ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଏ ଡଜ୍ ଦ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଜେନେରାଲି ଡିକ୍ରିଜେସ୍ ଟୁୱାର୍ଡ ଦ ପୁଲ୍। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଲ୍ ଆଡ଼କୁ ପାଖେ ପାଖେ ଆସିବା ତ ଟେମ୍ପରେଚର୍ କାହିଁକି କମି କମି ଯାଏ। 72 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର୍ କର। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ହ୍ୱାଏ ଡଜ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଜେନେରାଲି ଡିକ୍ରିଜ୍ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଦ ପୁଲ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଲ୍ ଆଡ଼କୁ ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସିବା ତ ସେତେବେଳେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ କାହିଁକି କମି କମି ଯାଏ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ, ଲେସ୍ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ପର୍ ୟୁନିଟ୍ ଏରିଆ ଫଲ୍ସ ଇନ୍ ଦ ପୋଲାର୍ ରିଜିଅନ୍। ତ ଯେଉଁ ପୁଲ୍ ଗୁଡ଼ା ପାଖକୁ ଆମେ ପାଖେ ପାଖେ ଯିବା ସେ ରିଜିଅନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପୋଲାର୍ ରିଜିଅନ୍ ବୋଲି କହିବା। ପୋଲାର୍ ରିଜିଅନ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ପର୍ ୟୁନିଟ୍ ଏରିଆ କମି କମିକା ଯାଏ। ତ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି କମିବ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପକିରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି କମିଥିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପକିରଣ କମିଥିବ ମାନେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ କ'ଣ ହେବ ଡିକ୍ରିଜେସ୍ ହେବ। ଅଟୋମେଟିକ୍ କଥା, ଜେନେରାଲ୍ କଥା, ପୁଲ୍ ଆଡ଼କି ପାଖେଇବା ମାନେ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ଯେହେତୁ କମୁଛି ଖସୁଛି ପୋଲାର ରିଜିଅନ୍ରେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପମାତ୍ରା ବି କମୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପମାତ୍ରା କମୁଛି ମାନେ ତ କ'ଣ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା ଡିକ୍ରିଜେସ୍ କରୁଛି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଏ ଡଜ୍ ପିପୁଲ୍ ସଫର୍ ଫ୍ରମ୍ ନୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇୟର୍ ବ୍ଲିଡେଡ୍ ଏଟ୍ ହାଇୟର୍ ଆଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅନ୍ ଦ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ। ତ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ୍ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଉଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଚଢ଼ନ୍ତି ବା ପର୍ବତ ବା କୌଣସି ମାନେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ନ୍ତି ହାଇ ଆଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଉଠନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ଆମ ନାକ ଆଉ ଇୟର୍ କ'ଣ କରେ ବିନ୍ଧିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ବା ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ କରିବ ବା ପେନ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ତ ନାକ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଭଳି ନାଗେ ମାନେ ଆମକୁ ଥକା ଲାଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିପାରନ୍ତିନି, ଏହାର କାରଣଟି କ'ଣ ଅଟେ। 73 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ, ହ୍ୱାଏ ଡଜ୍ ପିପୁଲ୍ ସଫର୍ ଫ୍ରମ୍ ନୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇୟର୍ ବ୍ଲିଡ୍ ଏଟ୍ ହାୟର୍ ଆଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଅନ୍ ଦ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ। 73 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, ସିନ୍ସ ଦ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ୍ ପ୍ରେସର୍ ଡିକ୍ରିଜେସ୍ ୱିଥ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଆଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼। ଯେତେ ଯେତେ ଆମର ହାଇଟ୍ ବଢ଼ୁଛି ବା ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେତେ ସେତେ କ'ଣ କରୁଛି ଆଟମିକ୍ ପ୍ରେସର୍ଟା ତୁମର କମି କମିକା ଯାଉଛି ମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ ଆଟମିକ୍ ପ୍ରେସର୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ କରୁଛି। ଆଟମିକ୍ ପ୍ରେସର୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ କରିବ ମାନେ ତ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ହେବ ଥକାପଣ ଫିଲ୍ ହେବ ବା ଆମେ ଆମର ନାକ ବା କାନରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ବୁଝି ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତ ଯେତେ ଯେତେ ଉପରକୁ ଯିବା ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ୍ ପ୍ରେସର୍ କମି କମିକା ଯିବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଟିକେ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅବଜର୍ଭ ଦ ହାଉସ୍ ବିଲ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ହିଲି ଏରିଆ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଏ ଡୁ ପିପୁଲ୍ ବିଲ୍ଡ ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ହାଉସ୍। ତ ଏଇ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଇ ଘରରେ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ପର୍ବତ ଉପରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏଇ ଘର କାହିଁକି ଲୋକ ପର୍ବତ ଉପରେ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଘରକୁ। 74 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଏଇଠି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ, ହିଲି ଏରିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ରନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ନୋ। ତ ଘରକୁ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏ ଘରରେ ଏଇଭଳିଆ ତିଆରି କରାଯାଇଛି କାହିଁକିନା ଏଠି ସ୍ନୋ ବରଫ ଜମିଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଛାତ ଘର କରିଦେବା ତ ବରଫ ତାର ଉପରେ ଯେଉଁ ଜମିକି ରହିବ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ତେର୍ଛା ତେର୍ଛା ହେଇଛି ଏଇଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ତ ବରଫ ଜମିରେ ଏଇଟା ଆମେ ବାହାର ବି କରିପାରିବା ଏବଂ ବର୍ଷା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ତା ସହିତ ବରଫ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଘର ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, 75 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଛୋଟନାଗପୁର ପ୍ଲେଟୁ ରିଜିଅନ୍ ହେଜ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଇରନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ତ ଛୋଟନାଗପୁର ପ୍ଲେଟୁରେ ବହୁତ ସାରା ଆଇରନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଦିଜ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ଲୋ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଇରନ୍ ଓର କଷ୍ଟଟା କମିଯିବ, ହାଇ ଗ୍ରେଡ୍ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଇନ୍ ପ୍ରକ୍ସିମିଟି, ଚିପ୍ ଲେବର୍, ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଇନ୍ ହୋମ୍ ମାର୍କେଟ୍। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ 75 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଛୋଟନାଗପୁରରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଆଇରନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ତ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ ବା ଏହାର ରେଜଲ୍ଟଟା କ'ଣ ହେଇପାରେ। 75 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର୍ କର, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ।
तो करेक्ट आंसर जो देखिबा लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, तो आयरन ओर भी दाम कम, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इन प्रॉक्सिमिटी, चीप लेबर, फास्ट ग्रोथ पोटेंशियल एंड होम मार्केट, सब गुड़ाक ठीक हम फास्ट सेकेंड थर्ड आई भी एटा जनरल नॉलेज टेस्ट कराऊ तुम ओन नॉलेज उपर। तो ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द कैलोरीज इंटेक इन रूरल एंड अर्बन एरिया रेस्पेक्टिवली इन इंडिया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो रूराल आउ अर्बन एरिया लोक मैंने केते कैलोरीज रो शक्ति नहीं था। 76 नंबर क्वेश्चन फटाफट आंसर कर। एटा इकोनोमिक्स रो क्वेश्चन, इकोनोमिक्स रो क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम, व्हाट इज द कैलोरीज इनटेक इन रूराल एंड अर्बन एरियाज रेस्पेक्टिवली इन इंडिया। 76 नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए संगर जीव 2400 आउट हो तुम 2100 बुझे 2400 जदि यार तुमको पचार दब मैथमेटिक्स भी पचार दे पारे यार रेसीोटा कत हम 0000 कटिला तो ये 3 ले कटिबो 8 ले कटिबो ये कटिबो 7 ले 8:7 मन रखिबो यार रेसीो कथा जदि कहला 8:7 जदि रेसीो न दे कि केमिति देला 2400 एवं 2100 कैलोरीज रेसीो रहि बुझियला। 77 नंबर क्वेश्चन, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्फ्लेशन वाज हाईएस्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इन इंडिया। वार्षिक महंगा वार्षिक इंटरेस्ट ऑफ इन्फ्लेशन हाईएस्ट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्फ्लेशन कौ वर्ष अधिक होता क्यों वर्ष या भितर क्यों वर्ष अधिक होता। 77 नंबर क्वेश्चन, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्फ्लेशन वाज हाईएस्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इन इंडिया। करेक्ट आंसर कौन हम 77 नंबर क्वेश्चन फटाफट आंसर कर। करेक्ट आंसर 77 नंबर करेक्ट आंसर कौन हम, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए संगर जीव 2009-2010 ऑप्शन नंबर ए ही जीव करेक्ट आंसर 2009-2010। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ईयर डिड द कोयोटा प्रोटोकॉल कम इन टू फोर्स एंड एफर्ट टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। तो या भितर क्यों वर्ष कोयोटो प्रोटोकॉल आसला जो थे कि से कहला जे ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने एफर्ट्स दे। 78 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम फटाफट आंसर कर। 78 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम, व्हिच ईयर डिड द क्वेटो प्रोटोकॉल कम इन टू फोर्स एंड एफर्ट टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। सठिक आंसर फटाफट कौन हम 78 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर 2005 हम करेक्ट आंसर 2005 हम करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स एनभिसेजेस सोशलिस्ट पैटर्न। करेक्ट आंसर कौन हम 79 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स एनभिसेजेस सोशलिस्ट पैटर्न। तो करेक्ट आंसर मन रखिए मिक्सड इकोनॉमी ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर। ताजर लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन करवा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर रेकमेंडेशन। बैंकिंग सेक्टर को रेकमेंडेशन या भर क्यों कमिटी कर 80 नंबर क्वेश्चन फटाफट आंसर कर। कोठारी कमिटी, सरकारिया कमिटी, नरसिंहा कमिटी, सवंत कमिटी। 80 नंबर क्वेश्चन फटाफट आंसर कर। करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी संगे जीव नरसिंहा कमिटी बुझेगा। ये थी आज क्वेश्चन आम डिस्कसन करुले जो मैंने चैनल नुआ अच चैनल को सब्सक्राइब कर रखे एवं आउ थे कही रखे। तो गूगल मीटर क्लास रो डेट पब्लीश हो सारी आप जानते जोटा कि आपणकर 28 तारीख रु स्टार्ट हो गूगल मीट क्लास। तो जो मैंने एपर्तंते जॉइन ही नहीं जोटा कि पेड क्लास कर दि जाए आप गूगल मीटर सब प्रकार पाई। तो बुथ आपणकर कमन पेपर सहित कोर पेपर भी पाई। तो निश्चित भाव में कहींपर जो मैंने नुआ अच्छा पेड क्लास जॉइन होगा चाहूँ तो 8917270933 ए नंबर में ह्वाट्सअप करपर एवं ही ह्वाट्सअप कर। मात्र काली ही लास्ट डेट अच्छी जी आम कह 27 डेट 27 तारीख लास्ट डेट एडमिशन ल। तो 28 तारीख पाखु फिर से आमर सुरू हो ग्रांड मिशन
CST ଏବଂ କହିରକେ CST ଏଟା ଲାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟାଚ୍ ଆଫ୍ଟର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। CST ଯଦି ଆପଣ OSTT ବି କ୍ଲିୟର ହେଇନି ତ ଏଇ ସିଲାବସ୍ରେ ଆପଣ କଭର କରିପାରିବେ, ଏଇ ବ୍ୟାଚ୍ରେ OSTT ସହିତ CST କଭର କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ବି OSTTର ଲାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍, CST ର ଲାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍। ତ OSTTର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା ବ୍ୟାଚ୍ ଆସିବନି କି CST ର ବ୍ୟାଚ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା ବ୍ୟାଚ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍କୁ ବୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଡ଼ମିସନ୍ ତୁରନ୍ତ ନିଅନ୍ତୁ। 28 ତାରିଖକୁ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ କହିରଖେ ପୁରା ଥିଓରିରେ ବୁଷ୍ଟର ହେବା ସହିତ MCQରେ ବି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ପୁଷ୍ଅପ୍ କରିବା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ରହିବ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ପରେ ଯେତେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ଯଦି ଆମେ ଏଭଳି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଖୋଜିବା, ଏଭଳି କ୍ଲାସ୍ ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥର ମିଳିବ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।